अगर हम सॉल्यूशंस को देखें तो सॉल्यूशंस को अगर हम उसको अगर हम क्रक्स निकालें सारे सॉल्यूशंस का, तो एनपीए को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिकैपिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। और दो रिकैपिटलाइजेशन से आपके गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं ठीक है वो एग्जॉस्ट होते हैं, काफी लोड आता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, लेकिन बैंक्स को तो आपको रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, वो जरूरी है, हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ये है कि पुराने जो एनपीएज हैं आपके, पुराने एनपीएस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमने देखा इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष में हमने ये भी देखा कि कैसे रिकैपिटलाइज करती है गवर्नमेंट। अब आपको रिकैपिटलाइजेशन का मतलब समझ आना चाहिए। किसी भी कंपनी में, बैंक में, कहीं पे भी वापस से कैपिटल डालना, दैट इज रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है। जब जरूरत होती है गवर्नमेंट करती है रिकैपिटलाइज। अब आपका सबसे बड़ा चैलेंज है पुराने एनपीएस को सॉल्व करना। उसी के लिए हमने सब कुछ पढ़ा, 525, एसडीआर, एसएमए, डीआरटी, सरफाइसी, ऑल दिस थिंग्स। तो आपको रिजोल्यूशन करना है इनका यूज करके, जेएलएफ, जॉइंट लेंडर फॉरम। फिर उसके बाद आपने लेंडिंग की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। लेंडिंग की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, इसके लिए पीजे नायक ने बोला है कि बैंक्स को रेगुलेट गवर्नमेंट ना करे, गवर्नमेंट का कम से कम शेयर होना चाहिए, ठीक है। एक तरह से ऐसा एक प्राइवेट कंपनी बनाओ और वो सारा इनको देखे, गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग उसको दे, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लेंडिंग इंप्रूव करने का मतलब है कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, ठीक है। बैंक्स अपनी मर्जी से काम कर पाए, ठीक है, उनपे कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। साथ में वो प्रोजेक्ट्स के लिए, अगर नए एक कोई प्रोजेक्ट आपका रुक गया है बीच में, तो उसको पहले उसका एसेट क्वालिटी रिव्यू करें और फिर देखें कि क्या ये प्रोजेक्ट आगे जाके वाइबल है क्या। मतलब अगर हम इसको और पैसा दे देंगे तो ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो गया तो हमें अपना पैसा वापस मिलेगा, तो दे दो उसको। अगर कोई प्रोजेक्ट रास्ते में रुक गया, ठीक है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रुक गया और इसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, तो आपको दे देना चाहिए। क्योंकि उसने डिफॉल्ट इसलिए नहीं किया कि वो डिफॉल्ट करना चाहता था, वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि उसका प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब उसके पास पैसा आएगा। अगर मुझे एक इंडस्ट्री लगानी है और मैंने सिर्फ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, मशीनें लाया और उसके बाद मेरे को बाकी उसके लिए और पैसा चाहिए, अगर उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है आगे, तो मैं कैसे वहां पे प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा। मुझे थोड़ा पैसा और दे दो ताकि मैं प्रोडक्शन शुरू कर दूं, उसके बाद मेरे यहाँ पे चीजें प्रोड्यूस होने लग जाएगी, मैं कमाने लगूंगा, मैं आपका लोन वापस कर दूंगा। हर कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं होता है, कोई नहीं चाहता है कि वो भागा भागा फिरे। हर आदमी चाहता है कि भाई कम से कम मैं पैसा वापस कर सकूं, लेकिन कई जानबूझ के आपके डिफॉल्ट नहीं करते हैं, सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तो उनको आपको पैसा दे देना, ठीक है, क्लियर। तो ये तीन में से हमने रिकैपिटलाइजेशन पढ़ लिया, पुराने रिजॉल्व करने हैं आपको एनपीएस, देखो पुराने एनपीएस आपको रिजॉल्व करने हैं। रिजॉल्विंग दी एनपीए प्रॉब्लम क्यों जरूरी है रिजॉल्व करना, दी लीगेसी ऑफ दी रिकैपिटलाइजेशन तो हम देख ही चुके हैं, दी लीगेसी ऑफ दी एनपीएस मस्ट बी रिजॉल्व एज क्विकली एज पॉसिबल सो दैट बैंक्स कैन फोकस ऑन रिज्यूमिंग लैंडिंग। अभी बैंक्स डरते हैं पैसा देने में कि हम पैसा देंगे तो वो और ज्यादा एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। डर जिसमें बैठ गया तो फिर उस डर का कोई इलाज नहीं, आसानी से लोन नहीं मिलेगा जब तक तब तक आपकी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। सेकेंड क्या है, जो एसेट्स आपके लॉस एसेट्स हो चुके हैं, देखो अब उसमें तो चांस है नहीं अभी, तो अभी के लिए बैंक की बैलेंस शीट को क्यों खराब किया जाए, तो उनको राइट ऑफ कर दो। बैंक भी तो स्ट्रेस्ड है ना, वो फिर उस लॉस एसेट्स उनके अगर उसमें पड़ा है बैलेंस शीट पे, उस पे उनको वो भी देना है, टैक्स भी देना है, साथ में उनको इनकी टेंशन रहेगी हमेशा। अभी के लिए आप राइट ऑफ कर दो ताकि बैंक बाकी चीजों पे ध्यान दे पाए, बाकी प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे पाए, ठीक है। तो सेकंड है आपका लॉस एसेट्स को आप क्या कर दो, जल्दी से जल्दी राइट ऑफ कर दो। थर्ड क्या है, आपका बैंकरप्सी कोड जो आया है नया, ठीक है, इज ए गेम चेंजर, वो अच्छा है, देखो कोड काफी अच्छा काम कर रहा है, और लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा। देखो 2016 में आया है, अभी 2021 चल रहा है, 5 साल हुए, लेकिन 5 साल में तो सारे केसेस नहीं पड़ सकते ना, लाखों आपके एनपीए केसेस हैं और नए नए आते रहते हैं,
लेकिन बैंकरप्सी कोर्ट रिजल्ट्स दे रहा है। क्यों रिजल्ट्स दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे बातचीत से मामले सुलझाए जा रहे हैं, दोनों को मौका दिया जा रहा है। अदरवाइज अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, वन साइड एक्शन होता था। बैंक ने सारे एसेट सीज कर लिए, सुना ही नहीं, फिर वो कोर्ट के चक्कर लगाए, कहीं के लगाए। अब क्या है, दोनों तरफ से पूछा जा रहा है आप क्या चाहते हो, तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका एसेट्स फंसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंकरप्सी कोर्ट आपका अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आप वापस से शुरू कर सकते हो, थोड़ा सा उसमें फ्रेश कैपिटल डालते हो। क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं अटके कि वो विलफुल डिफॉल्टर है, वो इसलिए अटके क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो उसमें आप उसका रिव्यू करो, एसेट क्वालिटी रिव्यू करो, देखो कि क्या इसमें नया पैसा डालने के बाद ये प्रोजेक्ट वाइबल है, क्या क्या आगे सक्सेसफुल होगा, क्या हमें पैसा देगा वापस, तो ठीक है उसमें आप नया फ्रेश कैपिटल डाल दो, ठीक है। या फिर बैंक हेल्प करे उसको नए इन्वेस्टर्स ढूंढने में, या आप उसका नया क्या कर सकते हो, इन्वेस्टर या फिर मैनेजमेंट तो बोल सकते हो, जो भी उसका मैनेजमेंट है, ठीक है, नया मैनेजमेंट आप ला सकते हो उसमें। लेकिन आप एसेट्स को सीज करके बेच दोगे तो वो पूरा खत्म हो जाएगी। तो आप उसमें नया कैपिटल डालो, खुद से डालो, नए इन्वेस्टर ढूंढ के दे दो, लेकिन उसमें फ्रेश कैपिटल डालो आप कम से कम, ठीक है। तो वो कम से कम आपका जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम बंद ना हो, ठीक है। तो एनपीए प्रॉब्लम आपको जल्दी से जल्दी रिजोल्व करनी है। अब लेंडिंग की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करोगे आप, ठीक है, बाकी सब हम डिटेल में देख चुके। The quality of lending by PSV must be improved in future so that the same problem does not arise again. जो अभी NPA के problem है वापस आए। To provide public sector banks with greater autonomy, the shareholding of the government can be reduced to less than 50% or 33%. Government की shareholding को कम कर दिया जाए ताकि आपके उसमें government का political interference नहीं हो। The PJ Nayak Committee, देखो पीजे नायक कमेटी ने मर्जर्स के लिए बोला है और इसी ने इस बात के लिए बोला है कि गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कम होनी चाहिए। हैड सजेस्टेड दैट इफ डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, इट शुड बी पॉसिबल टू डिस्टेंस द गवर्नमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक्स। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती कि हम शेयर होल्डिंग को डायल्यूट करेंगे, फिर भी गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, बैंक की फंक्शनिंग से दूर रहना चाहिए और एक पब्लिक सेक्टर होल्डिंग कंपनी बना देनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर होल्डिंग कंपनी बना दी आपने, सारे गवर्नमेंट के शेयर्स उसमें ट्रांसफर कर दो इन दी होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अब क्या होगा, ये होल्डिंग कंपनी देखेगी बैंक्स की फंक्शनिंग, पब्लिक होल्डिंग कंपनी, और इसमें बैठेंगे प्रोफेशनल्स। अभी बनी नहीं है लेकिन अगर बन गई तो पब्लिक होल्डिंग कंपनी, जैसे वहां पे हमने बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया ना इंद्रधनुष में, क्यों बनाया बैंक बोर्ड ब्यूरो, ताकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना रहे अपॉइंटमेंट्स में। ऐसे यहां पे क्या है, आप एक पब्लिक होल्डिंग कंपनी बना दो, गवर्नमेंट अपने सारे शेयर्स उसको ट्रांसफर कर दे, देखो रहेगी तो पब्लिक ही, ठीक है। ये डाइल्यूट करने को तो मान नहीं रही है, प्राइवेट के लिए नहीं मान रही है, तो आप एक पब्लिक होल्डिंग कंपनी बना दो, पब्लिक होल्डिंग कंपनी जो रहेगी उसमें गवर्नमेंट अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर दे, ठीक है, तो और वो संभालेगी फिर बैंक्स को। यहाँ पे क्या होगा, सारे एक्सपर्ट्स होंगे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं होंगे, सारे एक्सपर्ट्स होंगे जो बैंक्स के बारे में जानते हैं, फाइनेंस के बारे में, प्राइवेट सेक्टर से उठा लो, पब्लिक सेक्टर से उठा लो, लेकिन होंगे सब एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट का कोई इस पर इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। फिर सम स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड दैट दिस मे बी एक्सेप्टेबल, आगे इसको माना जा सकता है, और बैंक बोर्ड ब्यूरो जो बनाया गया इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो भी इसी तरीके से बनाया गया है जो अपॉइंटमेंट्स को देखकर, जैसे आप आरबीआई है, आरबीआई में गवर्नमेंट 100% शेयर होल्डर है, आरबीआई सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई में जनरल इंटरफेरेंस नहीं करती, आरबीआई अपने काम करता है अपने तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे क्या करे, फिर भी लेकिन इंटरफेरेंस तो है थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी ऐसे ही आप पब्लिक होल्डिंग कंपनी बना दो, ताकि डायरेक्ट जो आपके अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं या बैंकों की जो फंक्शनिंग हो रही है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो किसी भी तरीके से, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, देयर आर टू की एलिमेंट्स इन एनी एफर्ट टू डिस्टेंस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्यों दूर रहना चाहिए, वन इज दैट पब्लिक सेक्टर बैंक शुड डील विद ओनली वन रेगुलेटर दैट इज आरबीआई,
सिर्फ आरबीआई एक रेगुलेटर होना चाहिए। आज की डेट में दो दो जगह से आरबीआई आपका बोलता है बैंक्स को कि इन्फ्लेशन कम करो, इधर से गवर्नमेंट बोलती है कि आप ग्रोथ को देखो। तो एक ही रेगुलेटर होना चाहिए। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज द ओनर वुड बी परफॉर्म्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी करे वो रोल परफॉर्म, एंड द गवर्नमेंट वुड डील ओनली विद द होल्डिंग कंपनी ऑन ऑल इश्यूज। जैसे अभी आरबीआई से पूछती है गवर्नमेंट, वैसे एक होल्डिंग कंपनी बना दो जिसको आरबीआई गवर्नमेंट अपने सारे शेयर ट्रांसफर करते, जैसे आरबीआई काम करता है वैसे ही वो फंक्शनिंग करेगी। जैसे आज की डेट में आरबीआई से सवाल जवाब करता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में नहीं हुआ, ऐसे ही उस होल्डिंग कंपनी से डील करें। डायरेक्टली आप बैंक्स की फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करो ना, उस होल्डिंग कंपनी को करने दो। ए सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट पब्लिक सेक्टर बैंक शुड बिकम बोर्ड मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वहां पे बोर्ड होना चाहिए with the board responsible for all appointments including that of the chief executive officer. ठीक है, boards हर जगह पे boards होने चाहिए, वही आपके सारे appointment करे, government ना करे। इस दिशा में तो हमने बना भी दिया है bank board भी। ठीक है, ये तो एक हमने कर दिया है, लेकिन अभी भी ये first step आपका public holding company अभी नहीं बनी। तो जब public पीजे नायक committee के recommendation है कि government को खुद को distance कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट इनकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर करती है, वो सही नहीं है कि किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, कितना इंटरेस्ट रखना है। ठीक है, किस बैंक का मर्जर करना है, किस बैंक का मर्जर नहीं करना है, ये सब चीजें गवर्नमेंट को साइड में हो जाना चाहिए, पब्लिक होल्डिंग कंपनी बना देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने इंटरेस्ट देखेगी ना, जबकि बैंक में अपने इंटरेस्ट नहीं देखने, पूरी इकोनॉमी का इंटरेस्ट देखना। ठीक है, तो ये आपके पीजे नायक ने बोला है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट इज विलिंग टू स्टेप बैक फ्रॉम द एक्सरसाइजिंग डायरेक्ट कंट्रोल अनलेस स्ट्रॉन्ग एक्शन इज टेकन अलोंग दीज लाइंस वी कैन अज्यूम दैट थिंग्स विल कंटिन्यू एज दे हैव। ये बोला है पीजे नायक कि गवर्नमेंट को आपको साइड हो जाना चाहिए। पब्लिक होल्डिंग कंपनी आप बना के तो देखो, सक्सेसफुल रही तो कंटिन्यू रहने दो, नहीं तो बाद में वापस ऐसा ही कर लेना जैसा आप कर रहे हो। कौन मना कर रहा है आपको? एक बार बना के देखो, क्या मालूम वो सक्सेसफुल हो जाए, सारे आपके जितने भी ये प्रॉब्लम थे सारी आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्लियर। नाउ मर्जर ऑफ बैंक्स, नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जर ऑफ बैंक्स। थोड़ा सा इसका बेसिक, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये नाम याद रखना। जो फाइनल डिसीजन है वो इसी का होता है, मर्जर। ठीक है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ स्टेट रन। अभी लेटेस्ट किसका हुआ है? विजय बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड देना बैंक। इसके अलावा बाकी भी हुए हैं, अभी लेटेस्ट ये हुआ है, इन तीनों को मिला के क्या बना दिया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो मर्जर जो होगा वो इक्वल एंटिटीज में होता है, मर्जर हमेशा लगभग इक्वल एंटिटीज में होता है। जैसे आपकी तीन बैंक है, ये ए बी सी, ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा छोटा है कोई बहुत ज्यादा बड़ा है। बैंक्स जो होते हैं आपके ऑलमोस्ट वो इक्वल होते हैं। ठीक है, और मर्जर जो होता है वो क्या होता है? वो फोर्सफुल नहीं होता है, मर्जर कभी फोर्सफुल नहीं होता है। मर्जर क्या इसलिए किया जाता है ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाई जा सके। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ने इसलिए लिया है डिसीजन क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है मर्ज करने के बाद ये अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि विजय बैंक आपका खत्म हो गया या आपका देना बैंक खत्म हो गया, नहीं, ये दोनों बन के बैंक ऑफ बड़ौदा बन गए। और होता क्या है, ये विजय बैंक था आपका, ये देना बैंक का, और यहां पे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा बना दिया उन्होंने। अब मान लो इनको दोनों को इसमें मर्ज कर दिया, तो इनके शेयर होल्डर्स का क्या होगा भाई? जिनके पास इनका इन बैंक्स के शेयर है वो तो खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां पे शेयर स्वैप होता है। ठीक है, शेयर स्वैप रेशियो, कैसे होता है? मान लो विजय बैंक के एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी और देना बैंक के एक शेयर की कीमत 200 रुपए,
और जो बैंक ऑफ बड़ौदा बना उसके एक शेयर की कीमत 400 रुपए था। अब जब आपका विजया बैंक और देना बैंक इसमें मर्ज हो गए तो अब तो शेयर सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के हो गए, तो इनके शेयर होल्डर को क्या करेंगे, तो इनके शेयर होल्डर को क्या करेंगे, इसको बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स दे देंगे। कैसे देंगे, इसका 100 रुपए का एक शेयर है तो इसके पास 4 शेयर होंगे वो 400 रुपए के होंगे, तो 4 के बदले इसको 1 बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर मिल जाए, इसको 2 के बदले 1 बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर मिल जाएगा। इसको कहते हैं शेयर स्वैप रेशियो। शेयर स्वैप रेशियो मतलब कितने शेयर्स इसको मिलेंगे। देखो ये दोनों वीक बैंक्स थे तभी इनको बड़े वाले बैंक में मर्ज किया गया, तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि इसके शेयर्स की कीमत कम होगी, इसकी ज्यादा ही होगी। तो जिसमें मर्ज किया जाता है उसके शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो अब इन दोनों बैंकों के शेयर होल्डर्स को किसके शेयर दे दिए जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के। किस हिसाब से, मान लो इसके पास आपके 100 शेयर्स थे, तो 100 शेयर्स यहाँ पे आपके 100 रुपए के 100 शेयर्स थे, तो इसको 25 इसके मिल जाएंगे, 25 इसके शेयर्स मिल जाएंगे। मान लो इसके पास भी 100 शेयर्स थे तो इसको 50 मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका मर्जर होता है। मर्जर में खत्म नहीं किया जाता है कि आपने खत्म कर दिए शेयर्स को, वो बदले में उसको जो नई एंटिटी जो जिसमें आपने मर्ज किया है, जिसमें आपने मर्ज किया है, तीनों मर्ज होते हैं और तीनों मर्ज होके एक कोई नई एंटिटी नहीं बनती है। यहाँ पे कोई भी नई एंटिटी नहीं बनेगी, न्यू एंटिटी नहीं बन रही है, आपने एग्जिस्टिंग एंटिटी में मर्ज किया। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने क्या किया है, आपका चलो आप क्या कर रहे हो मर्जर में, आप 3 बैंक से या 4 बैंक से या 5 बैंक से, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, इनको आपने मर्ज किया। मान लो इन दोनों को आपने ए में मर्ज किया तो ए एंटिटी बन जाएगी, यानी यहां पे कोई नई एंटिटी नहीं बनी है, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो मर्जर में कभी भी कोई नई एंटिटी नहीं बनती है, मर्जर में हमेशा एग्जिस्टिंग एंटिटी में मर्ज किया जाता है, पहले चीज। दूसरी चीज क्या होती है, जो एग्जिस्टिंग एंटिटी जिसमें मर्ज किया है आपने, आपने ए में मर्ज कर दिया, ठीक है, तो जो आपका बी और सी होंगे उनको आप ए के शेयर्स दोगे। किस हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन स्वैप शेयर स्वैप रेशियो। जैसे बी का 100 का है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, सी का 200 का है और ये एग्जिस्टिंग एंटिटी जो ए है इसका 100 400 का है, तो इसको इसका 1 शेयर लेने के बदले अपने 4 शेयर सरेंडर करने पड़ेंगे, तो इसके 4 शेयर के बदले ये इसको 1 शेयर दे देगा। यहाँ पे इसके 2 शेयर 400 के हो रहे हैं तो इसको 2 शेयर के बदले 1 बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर दे देगा। वैल्यू तो उतनी रही, कोई चेंज नहीं आया, बल्कि वो पहले इन बैंकों का शेयर होल्डर था, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर होल्डर हो गया क्योंकि उसमें ये बैंक्स मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से मर्जर काम करता है। लेकिन जो आपका एक्विजिशन और जो आपका एमलगमेशन होता है वो डिफरेंट होता है, एक्विजिशन और एमलगमेशन डिफरेंट होता है। एमलगमेशन में क्या होगा, एमलगमेशन में भी 2 कंपनीज मिलकर मर्ज करती है, ए और बी, या 3 कंपनीज, लेकिन ए और बी मर्ज करके नई एंटिटी बनाती है। ए और बी मर्ज करके क्या बना सकती है, ए बी बना सकती है या फिर कोई सी, नई एंटिटी बनेगी हमेशा। एग्जिस्टिंग में नहीं होता है अमलगमेशन, अमलगमेशन में हमेशा नई एंटिटी बनेगी। जैसे मान लो आपका मारुति एग्जांपल, जैसे मारुति है और वो सुजुकी के साथ मिलके, अब देखो मारुति अलग है सुजुकी अलग है, अगर सुजुकी मारुति में चली जाती और मारुति नाम ही हो जाता तो हम बोलते हैं मर्जर हुआ, लेकिन मारुति और सुजुकी दोनों मिलके एक इन्होंने नई कंपनी बना दी जिसे कहते हैं मारुति सुजुकी। ये मारुति से भी डिफरेंट है, ये सुजुकी से भी डिफरेंट है, ये एक नई बन गई ना, जैसे एबी टाइप एक नई एंटिटी बन गई, आपने एक नया नाम दे दिया दोनों को अमलगमेशन करके। तो अमलगमेशन में हमेशा एक नई एंटिटी बनती है,
यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, वो नई एंटिटी के शेयर्स की जो कीमत है वो उन दोनों को दे दी जाएगी, शेयर स्वैप रेशियो उसी तरीके से काम करेगा। और एक्विजिशन में क्या होता है, एक्विजिशन में कोई बड़ी कंपनी जैसे आपकी वोडाफोन थी, वोडाफोन ने हच एसआर को खरीद लिया, तो हच एसआर भी वोडाफोन को खरीदने के बाद वोडाफोन बन गई। यहां पे क्या है, हच एसआर ने अपनी मर्जी से मर्ज नहीं हुआ है, यहां पे इसने इसको एक्वायर किया है, इसके शेयर्स खरीदे, इसके शेयर्स खरीदे, इस वजह से हच में उसका हक हो गया, हच का उसको मालिक बन गया। यहाँ पे इसने जानबूझ के इसको खरीदना था, यहाँ पे मर्जर क्या हो रहा है आपका, सबके बीच में हो रहा है मर्जी से, कोई फोर्सफुली नहीं है, यहाँ पे ये फोर्सफुली इसने एक्वायर किया है। और यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी बहुत बड़ी होती है, ये बिग होती है एक्विजिशन में, और दूसरी कंपनी स्मॉल होती है। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है वही रह जाएगी, वोडाफोन, बड़ी कंपनी छोटी को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, यहाँ पे ऐसा होता है, इज इट क्लियर। और इसके सारे शेयर्स किसके पास चले जाते हैं, वोडाफोन के पास चले जाते हैं। यहाँ पे शेयर सारे बिक गए, अब सारे शेयर्स इसने खरीद लिए, अब कोई इनमें शेयर होल्डर्स को ये शेयर नहीं देगी अपना, इसने सारे शेयर्स खरीद लिए, ये कंपनी खत्म हो गई। या फिर हो सकता है इसके अगर 50% शेयर्स खरीदेगी तो ये 50% की मालिक बन गई, ये भी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे दोनों केसेस हो सकते हैं, अगर पूरा 100% खरीद लेगी तो वोडाफोन अकेले एग्जिस्ट करेगी, और इसके 50% शेयर खरीद लिए तो 50% मालिक बन गए, ये भी एग्जिस्ट करेगी, ये भी एग्जिस्ट करेगी। मर्जर में एक ही बैंक एग्जिस्ट करेगा तीनों में से, ये चार एंटिटी है पांच। अमलगमेशन में एक नई एंटिटी एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे बड़ी कंपनी एग्जिस्ट कर सकती है अगर पूरा का पूरा खरीद ले, और अगर कुछ शेयर खरीदेगी तो दोनों में दोनों की दोनों एग्जिस्ट करेगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन। हाँ, लाइक व्हाट्सएप, लाइक फेसबुक डिड विथ योर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। इक्वल बैंक्स का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इक्वल हो, इक्वल का मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा छोटी कोई एंटिटी है। बैंक्स तो सारे बैंक्स ही है ना, कमर्शियल बैंक्स का जो कैपिटल है वो सब सेम है। अब उसके एनपीए ज्यादा बढ़ गए तो हम उसको वीक बैंक कह रहे हैं, एनपीए बढ़ने की वजह से हम उसको वीक बैंक कह रहे हैं, है तो उसके लेवल का ही बैंक है ना, जब बैंक खुले थे सब एक लेवल के थे, ठीक है शिवानी, तो इक्वल ही है, उसको हम वीक किस वजह से कह रहे हैं, एनपीए बढ़ने की वजह से वीक कह रहे हैं, इज इट क्लियर। वीक बैंक नहीं है वो, वीक बैंक हम उसे किस वजह से कह रहे हैं, एनपीए बढ़ने की वजह से कह रहे हैं, बाकी तो वो इक्वल फुटिंग पे ही है। हाँ, मर्जर आपका लास्ट सिंगल एंटिटी होगी, ठीक है, एक में मर्ज हो जाएंगी सारी के सारी, ठीक है, एक में मर्ज हो जाएंगी सारी के सारी। अभी जैसे आपका पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके पांच आपने वो एसोसिएट बैंक्स को मर्ज कर दिया, भारतीय महिला बैंक को मर्ज कर दिया, अभी आपने ये मर्ज किया, तो मर्जर जो होता है मर्जर में लास्ट में एक एंटिटी बचेगी, लेकिन वो और ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया मर्ज, तो वहां पे आपने पांच बैंक्स तो उसको एसोसिएट किए प्लस भारतीय महिला बैंक को मर्ज किया, अब यहाँ पे इन सब से मिलके एक एसबीआई बन गया बस, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्टिंग ही रहा ना, ऐसे यहाँ पे भी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा, बाकी देना बैंक और विजया बैंक चले गए, लेकिन अमलगमेशन में एक नई चीज बन जाती है, हमेशा दो एग्जिस्टिंग एंटिटीज मिलती है और अमलगम। और एक्विजिशन में क्या होता है, बड़ी कंपनी छोटी को खरीद लेती है, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया, ठीक है, इंस्टाग्राम अभी भी एग्जिस्ट करता है, फेसबुक आपका अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो आपका इंस्टाग्राम अभी भी एग्जिस्ट करता है, व्हाट्सएप अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उनका मालिक कौन हो गया है, फेसबुक, उसने उनको एक्वायर कर लिया, उनको ऑफर दिया, लो भाई हमें हमें तुम्हारी कंपनी चाहिए, तो उनको कॉम्पिटिशन खत्म करने के लिए ये किया जाता है, कॉम्पिटिशन खत्म करने के लिए, ये कॉम्पिटिशन खत्म करने के लिए किया जाता है, जबकि ये दोनों किया जाता है बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल बनाने के लिए। यहाँ पे दोनों मिलके एक नई कंपनी बनाती है ताकि अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा सके, जैसे हीरो होंडा, हीरो अलग है होंडा अलग है, दोनों मिलके हीरो होंडा बनी, हीरो होंडा की कितनी मोटरसाइकिल आप चलाते थे, ये बनी एंटिटीज, तो इन्होंने कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट्स दिए आपको, ऐसे ये मर्जर भी किया जा रहा है अच्छे के लिए किया जा रहा है, मर्जर और एमलगमेशन अच्छे के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिशन खत्म किया जा रहा है, वोडाफोन ने हच को खत्म कर दिया, अब कल को मान लो जियो एयरटेल को एक्वायर कर ले, कल को बीएसएनएल को एक्वायर कर ले, ये होता है एक्विजिशन।
एक्विजिशन में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तीनों में, अमलगमेशन में, मर्जर में और इसमें, ठीक है। अरे भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास तो रहेंगे उनके शेयर्स, उनके पास तो है ही ना, इनको आपने मर्ज किया तो उसके बदले आप शेयर्स दे रहे हो, उसकी भी तो शेयर होल्डिंग बढ़ गई ना, इन दोनों के शेयर्स भी तो उसके पास आ गए सारे के सारे, तो उसके बदले ही तो दे रहे हो आप, चार के बदले एक दे रहे हो, कहां से चेंज होगी, सेम ही तो रहा, इनके शेयर्स भी तो उसके पास आ गए ना जब इसने मर्ज हुआ, तो उसके बदले ही तो दे रहा है, वो कोई नई चीज थोड़ी ना दे रहा है, ठीक है। ठीक है, ये तीनों आपको क्लियर हो गए एकदम, ठीक है, ये क्लियर होने चाहिए। जब हम इंडिया के रेस्पेक्ट में यूज करते हैं हम तीनों में से कुछ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग है, ठीक है, अब आपको क्लियर होना चाहिए। मर्जर ऑफ बैंक्स, ठीक है, अब पीजे नायक कमेटी ने बोला है, ठीक है, यहाँ पे देखो मर्जर हम कब से कर रहे हैं, द मर्जर इज सेट टू मेक थर्ड लार्जेस्ट लेंडर हो गया है अभी After SBI and ICICI, ठीक है? The idea of mergers floated since 1998. नरसिम्हन ने बोला था, नरसिम्हन ने थ्री टीयर्ड स्ट्रक्चर की बात करी थी, थ्री और फोर टीयर्ड स्ट्रक्चर की बात करी थी, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। पीजे नायक कमेटी ने भी 2014 में बोला कि गवर्नमेंट मर्ज कर दे या फिर प्राइवेट कर दे, क्योंकि जो आपके PSPs हैं वो घाटे में क्यों जा रहे हैं, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से आप उनमें इंटरफेयर करते हो, तो उनको या तो प्राइवेट कर दो, क्योंकि प्राइवेट का एनपीएस कम है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एनपीएस ज्यादा। देखो दूसरी दिक्कत क्या है, प्राइवेट बैंक के अगर एनपीएस है भी तो उनको रिकैपिटलाइज गवर्नमेंट नहीं करेगी, उनको रिकैपिटलाइज गवर्नमेंट नहीं करती, तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं बर्बाद होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगर आपके एनपीएस बढ़ते हैं तो उनको रिकैपिटलाइज गवर्नमेंट को करना है, उससे गवर्नमेंट का बहुत नुकसान होता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। तो अगर प्राइवेट हो जाएंगे, आप प्राइवेट कर दो या फिर अपनी शेयर होल्डिंग को थोड़ी डाइल्यूट कर दो, उससे क्या होगा, आपका कम से कम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, ओके। पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया आर फ्रेगमेंटेड विद सम ऑफ देम रीलिंग अंडर द माउंटिंग प्रेशर ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो देख ही चुके हम कि सबके नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको मर्ज किया गया है ताकि जो वीक बैंक्स हैं थोड़े उनको स्ट्रॉन्ग के साथ अगर वो जाएंगे तो थोड़ा वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट्स आउट दैट कॉन्स्टेंट फेलियर ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट टू बोथ इमर्जिंग एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैज रिजल्टेड इन स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन, आप दे ही नहीं पा रहे हो नई इंडस्ट्रीज को पैसा, क्यों, क्योंकि आपके एनपीएस बढ़ गए, आप नए लोन देने से पहले बहुत ज्यादा डर रहे हो। अमलगमेशन और एक्विजिशन में मैंने अभी बताया ना शेयर्स का क्या होता है, अमलगमेशन में शेयर्स आपके उनके नई कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं उनको, और एक्विजिशन में आपके सारे शेयर्स उसके पास आ जाते हैं। अभी मर्जर अमलगमेशन एंड एक्विजिशन की स्लाइड्स मैंने बनाई है, वहां पे इसको एक बार वापस देखेंगे, ठीक है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। आपका हाल वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए किसी की भी जो मैंने गौतम बुद्ध वाली स्टोरी आपको सुनाई थी, ठीक है, कि हम जो टॉपिक पीछे देख चुके हैं उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, अब आप उसको दिमाग में लेके बैठे हो तो आप जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं समझ पाओगे, ये समझ लो। आगे जो डाउट है आपका अभी अमलगमेशन उनकी आपकी पूरी के पूरी वो स्लाइड्स आएंगी वहां पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला है कि भाई बैंक्स वीक है इस वजह से वो नहीं दे पा रहे, तो उनका मर्जर कर देना चाहिए। अप्रैल 2017 में हमने क्या किया था, 5 एसोसिएट बैंक्स वर मर्ज्ड विद SBI, कौन कौन से थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेणकोर, मैसूर और पटियाला, और साथ में भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज कर दिया, ठीक है। तो SBI के सारे एसोसिएट 5 एसोसिएट बैंक्स को इसमें मर्ज कर दिया और साथ में भारतीय महिला बैंक को, क्यों, क्योंकि घाटे में जा रहे थे, ब्रांचेस हर जगह खुली हुई थी, ब्रांचेस का खर्चा, वहां का बिल्डिंग का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, हर जगह आप हेड ऑफ द ऑफिस बिठा के रख रहे हो, एक्सपर्टीज है नहीं उनके पास, ठीक है। जितने ज्यादा आपके बैंक्स होंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना, सबको देखना है, RBI को भी प्रॉब्लम होगी, ज्यादा ब्रांचेस खोलोगे RBI को प्रॉब्लम होगी, किस किस को देखें, ठीक है। घर में 2 बच्चे हैं उनको आप अच्छे से पाल सकते हो, घर में अगर 10 बच्चे हैं तो कौन क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, कुछ पता नहीं, तो यही वाला हिसाब किताब कि आप 3-4 रखो बैंक्स, बड़े रखो जो सारे इकोनॉमी को संभाल सके, ओके।
मर्जर एक्विजिशन की चिंता मत करो, आगे आएंगी स्लाइड्स, ये आ गई आपको, ठीक है, मैंने बोला था आएंगी, आ गई। देखिए ये आपका मर्जर एक्विजिशन एंड अमलगमेशन, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन एंड अमलगमेशन, ठीक है। मर्जर को एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, आपने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि आपने एब्जॉर्ब कर लिया किसको, जैसे पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना स्पंज, ऐसे ही आपके बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपके देना बैंक और विजय बैंक को एब्जॉर्ब कर लिया, खुद में मिला दिया, ठीक है। एक्विजिशन तो एक्विजिशन ही है, अमलगमेशन को कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, दो चीजों को मिला के आपने बनाया, इसलिए इसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व होती है, पहला पॉइंट ये, नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व, तो यहाँ पे होती है एटलीस्ट टू एंटिटीज आर इन्वॉल्व एंड वन विल सीज टू एग्जिस्ट ए प्लस बी से, या तो ए बन जाएगा या बी बन जाएगा, दोनों में से एक बनेगा, एग्जिस्टिंग में से कोई एक बन जाएगा। एक्विजिशन में एटलीस्ट टू एंटिटीज, दो तो होनी चाहिए, आर इन्वॉल्व एंड वन टेक्स ओवर द एसेट्स एंड शेयर्स ऑफ अदर्स एंड इन्फ्लुएंसेस द वोटिंग राइट्स, ऑल कंपनीज माइट एग्जिस्ट टूगेदर। देखो वो भी एग्जिस्ट करती है ना, जैसे फेसबुक, मैंने कहा था दोनों एग्जिस्ट कर सकती है, माइट माइट मतलब एग्जिस्ट कर सकती है, फेसबुक व्हाट्सएप दोनों एग्जिस्ट करती है, और साथ में व्हाट्सएप और आपका इंस्टा भी। लेकिन वोडाफोन में क्या हुआ था, उसने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया, तो सिर्फ वोडाफोन एग्जिस्ट करती है सच को पूरा। एटलीस्ट अमलगमेशन में क्या होता है, एटलीस्ट टू एंटिटीज आर इन्वॉल्व एंड क्रिएट ए न्यू एंटिटी आफ्टर कंसोलिडेशन, नई एंटिटी बनेगी यहाँ पे हमेशा, ए प्लस बी मिलके या तो ए बी बनाएंगे या फिर सी बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट इंपैक्ट ऑन शेयर, शेयर पे क्या इंपैक्ट होगा, शेयर्स ऑफ द एब्जॉर्बिंग कंपनी, एब्जॉर्बिंग कौन सी रही हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे एब्जॉर्बिंग है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा। शेयर्स ऑफ द एब्जॉर्बिंग कंपनी आर गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द एब्जॉर्ब कंपनी, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसको शेयर दे दिया, विजय को और देना। यहाँ पे क्या होता है, बायर कंपनीज परचेज मोर देन परसेंट शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी, मालिक बन गई उसने शेयर अपने परचेज कर लिए, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। यही बताया था मैंने एक्विजिशन में, अगर आपकी फेसबुक है तो फेसबुक ने व्हाट्सएप के और इंस्टा के शेयर परचेज कर लिया, वो मालिक है, जिनके पास शेयर थे वो तो उसने खरीद लिए ना, यहाँ पे तो वो शेयर होल्डर्स अभी भी रहेंगे, मर्ज हुआ है, यहाँ खरीदे नहीं है, मर्ज हुआ है, इसने कोई पैसा पे नहीं किया इनको, ये मर्ज हुए हैं, मिले हैं एंटिटीज, ये दोनों मर्ज हुई है, यहाँ पैसा इनको खरीदा नहीं है इसने, यहाँ पे खरीद रहा है, यहाँ पे ये मिले हैं। जैसे कल को हम दो पार्टनर मिलके और कोई नया बिजनेस शुरू करें, दो पार्टनर है मिलके शुरू करें, हम मर्ज हो जाए, यहाँ पे ये मर्ज हुए हैं, यहाँ पे इसने खरीद लिया, तो खरीद लिया तो शेयर खरीद लिए गए, तो अब क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को नहीं देना। यहाँ पे क्या हो गया, शेयर ऑफ द न्यू एंटिटी, जो नई एंटिटी बनी है आपकी ए बी, यहाँ पे तो दोनों मिलके बनी है, तो यहाँ पे खरीदा नहीं है, तो वो दिया जाएगा किसको, शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज को, किस हिसाब से, शेयर स्वैप रेशियो के हिसाब से, ठीक है, वहां पे दिया जाएगा, ठीक है, जितने जिसके शेयर्स होंगे उस हिसाब से, ये वाला और ये वाला शेयर्स के मामले में सेम है, लेकिन ये वाले में डिफरेंट है, यहाँ शेयर्स खरीद लिए गए सारे के सारे, किसी को कुछ नहीं देना, ठीक है। साइज ऑफ द कंपनीज, द मर्जिंग कंपनीज आर ऑफ कंपेरेबल साइज, अभी बताया था आपको, ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है, bigger companies acquire small companies, यहाँ पे भी comparable size की होगी, the participating companies are of comparable size and have similar terms of association, जैसे मारुति भी आपका क्या बनाती है, वो भी ऑटोमोबाइल में डील करती है, सुजुकी भी ऑटोमोबाइल में डील करती है, तो दोनों आपकी क्या हो गई, मर्ज हो गई। हीरो होंडा भी आपकी ऑटोमोबाइल में डील करती है, हीरो भी ऑटोमोबाइल्स में, होंडा भी, जब दोनों के पास एक सा काम करती हैं तो वो आपकी अमलगमेट हो जाती हैं, ताकि वो और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सके, ठीक है, क्लियर। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा एकदम कि क्या होता है शेयर्स का।
ठीक है। अब आपका इसके बाद रिजल्टेंट एंटिटीज, यहां पे क्या होता है, ओनली वन कंपनी एग्जिस्ट, अभी बताया, एज वर एब्जॉर्बिंग कंपनीज एब्जर्व एब्जॉर्ब कंपनी एंड कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस, एक ही एग्जिस्ट करेगी, जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा या वहां पे एसबीआई या पीएनबी, इस तरीके से कोई भी एक एग्जिट अगर जिसमें मर्ज हुए हैं वो, ठीक है। एक्वायर्ड कंपनीज सीज टू एग्जिस्ट, अगर आपने एक्वायर्ड कर ली तो वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब फेसबुक की है वो सारी पार्टनर, ठीक है, एंड बिकम पार्ट ऑफ एक्वायरिंग कंपनीज, अब उसका पार्ट हो गई है वो, फेसबुक का पार्ट है व्हाट्सएप और आपका फेसबुक का पार्ट है व्हाट्सएप और इंस्टा, वो फेसबुक की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, जो फेसबुक बोलेगा वही करेंगे क्योंकि फेसबुक शेयर होल्डर, ठीक है। वो इंडिविजुअल कंपनीज अब एग्जिस्ट करना बंद हो चुकी है, वो उनका अपने अकेले में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। न्यू एंटिटीज एग्जिस्ट एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज सीज टू एग्जिस्ट, मारुति और सुजुकी, अगर आपका मारुति सुजुकी बन गया तो अब मारुति और सुजुकी नहीं है, वो आपने एक कंपनी बना ली, बाद में अगर ये दोनों सेपरेट होती है तो मारुति और सुजुकी वापस से अपने अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे, अमलगमेशन में ऐसा होता है, ठीक है। तीनों का डिफरेंस क्लियर है आपको, ठीक है, एक दो डिफरेंस और है वो भी देख लेते हैं। ड्राइवर्स फॉर एसोसिएशन, ठीक है, एब्जॉर्बिंग कंपनीज इनिशिएट द डील, सबसे बड़ी एब्जॉर्बिंग कंपनी है वही डील इनिशिएट करेगी, एंड एक्वायरिंग कंपनी इनिशिएट्स द डील विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी। देखो यहां पे कंसेंट होती है, मर्जी से होता है, यहाँ पे दूसरे की कंसेंट हो ना हो आप उसको इतना ऑफर दे दो कि वो आपसे वो उस बेच दे अपने शेयर्स आपको, और इनिशिएटेड बाय बोथ पार्टीज विद इक्वल इंटरेस्ट, यहाँ तो अमलगमेशन हो रहा है, दोनों का इंटरेस्ट है, ठीक है, मारुति सुजुकी बनेगी तो दोनों को फायदा है, ठीक है, हीरो होंडा बनी तो दोनों को फायदा है, इसलिए दोनों का इक्वल इंटरेस्ट होता है। तो ड्राइवर्स ऑफ एसोसिएशन, एंड लास्ट इज फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एब्जॉर्ब कंपनीज आर एब्जॉर्ब बाय द एब्जॉर्बिंग कंपनी, सब कुछ उसके पास आ जाएगा, एसेट्स भी लाइबिलिटीज भी, लोन्स भी उसके पास आ गए, लाइबिलिटीज भी उसके पास आ गई। अब आपने अगर एब्जॉर्ब भी कर लिया है, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो सारी जिम्मेदारी विजय बैंक की और देना बैंक की अब इसके पास ही। यहाँ पे वन फर्म एक्वायर्स एसेट और लाइबिलिटीज ऑफ द एक्वायर्ड कंपनीज, अगर आपने दूसरे के शेयर्स वगैरह सब खरीद लिया, अब एक फेसबुक के पास है सारी लाइबिलिटीज और वो व्हाट्सएप की और इंस्टा की, अगर कल को ये हमारे जो अभी हमने रूल्स बनाए हैं सोशल मीडिया वाले वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम फेसबुक को भेजेंगे डायरेक्ट नोटिस, फेसबुक देखेगा व्हाट्सएप और इंस्टा दोनों का मालिक ये है, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज आर ट्रांसफर टू द न्यू एंटिटी, यहाँ पे न्यू एंटिटी को ट्रांसफर हो जाएगी, ये वाला और ये वाला लगभग सेम है, इसलिए हम कई बार मर्जर की जगह अमलगमेशन भी यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, अमलगमेशन में हमेशा न्यू एंटिटी बनेगी, मर्जर में आपकी एग्जिस्टिंग एंटिटी में मर्ज हो, बाकी तो दोनों मर्जी से होता है, ठीक है, इक्वल इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों लगभग इक्वल वो होती हैं, इक्वल वैल्यू की होती हैं, ठीक है, दोनों ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी एक बहुत बड़ी है, इसलिए मर्जर और अमलगमेशन वर्ड कई बार इंटरचेंजेबली यूज होते हैं बट दे आर डिफरेंट, ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका मर्जर एंड अमलगमेशन में डिफरेंस, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जो भी आपको पढ़ाया है, बाकी मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा, ठीक है, आज ये खत्म हो जाएगा तो आज आपकी फाइनल स्लाइड्स हम भेजते हैं। अब मर्जर पढ़ लेते हैं, ठीक है, मर्जर क्यों किया गया, ठीक है, अब आपको पता तो चली गया कि एनपीएस से बचाने के लिए किया गया, तो पहला क्या है, टू प्रोटेक्ट वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स फ्रॉम लॉस, देयर बाय सिक्योरिंग कस्टमर्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है, अगर वीक बैंक आपका लॉस पे जा रहा है, एनपीए पे जा रहा है, एक टाइम ऐसा आ सकता है कि कस्टमर्स का उसमें फेथ खत्म हो जाए, कस्टमर्स का बैंकिंग से ही फेथ खत्म हो जाए, ठीक है, कस्टमर्स अपना पैसा बैंक में जमा कराना बंद कर देंगे तो क्या होगा उससे, हमारे लिए तो दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए, ठीक है, तो पहला वीक बैंक, और बैंक बंद होंगे तो फिर या फिर ज्यादा वीक होते जाएंगे तो उसको उतना ही रिकैपिटलाइज करना पड़ेगा, तो आपको उनको बचाना है। जैसे कई बार नहीं होता, क्लास में आप पढ़ते थे तो अगर आपको ध्यान हो, जब आप क्लास में पढ़ते थे तो क्या होता था, मैडम या आपका टीचर क्या बोलता था, एक वीक कोई स्टूडेंट है तो उसको जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता था उसके पास बिठा देता था,
कि भाई आप इसके साथ बैठो थोड़ा ये आपकी हेल्प करेगा, लेकिन मैंने एक बात समझी, क्या ऐसा हो सकता है कि वीक को इंटेलिजेंट के बाद बिठा दे वो इंटेलिजेंट हो जाए? रेयर चांसेस आते हैं, रेयर चांसेस आते हैं, हो सकता है ये इंटेलिजेंट वीक हो जाए, ठीक है, हो सकता है ये इंटेलिजेंट वीक हो जाए। संगत का असर है, देखो दोनों चीजें हो सकती है, या तो ये वीक इंटेलिजेंट हो जाए या फिर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे भी दोनों चीजें हो सकती है, या तो वीक पब्लिक सेक्टर बैंक आपका स्ट्रांग हो जाए, या फिर जो स्ट्रांग वाला है वो भी वीक हो जाए, ये तो गैम्बल है, ठीक है। अभी आपने क्या किया है, जो स्ट्रॉन्ग बैंक है उसके कंधों पे इसको डाल दिया, ये स्ट्रॉन्ग बैंक है, इसके ऊपर आपने वीक बैंक को डाल दिया शोल्डर पे। अब ये कितनी देर तक इसको लेके चल सकता है, या तो ये खुद भी गिर जाएगा जमीन पे, या फिर ये इसको लेके चल चलेगा। तो ये अभी आप रीजन फॉर मर्जर्स में पढ़ा रहा हूँ, फिर बाद में ड्रॉबैक भी देखें। ड्रॉबैक में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि क्या गारंटी है कि मर्ज करने के बाद एनपीएस नहीं बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन करके देख रहे हैं, चला बहुत अच्छी बात है, नहीं कुछ और लाएंगे। आप भी तो ऐसे ही करते हो, आज टाइम टेबल बनाते हो, फिर चेक कर, फिर दूसरे दिन वो टाइम टेबल काम नहीं करता, अलार्म लगाते हो आप, फिर वो एक पहले अलार्म पे नहीं जगते, दूसरे पे नहीं जगते, फिर दूसरे दिन सोचते हो आज तो जग जाऊंगा, तो आप भी कुछ चीजें करते हो, फिर उनमें मॉडिफिकेशन करते हो जब वो काम नहीं करती, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये मत पूछने लग जाना अभी कि सर क्या गारंटी है, तो गारंटी मैं भी नहीं दे सकता, गारंटी कोई नहीं दे सकता, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया है, ठीक है। आगे आप इसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम आगे ड्रॉबैक्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के बैंक्स नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। सिर्फ एक आपका SBI थोड़ा सा आता है टॉप 50 में, ठीक है, टॉप 20 में तो कोई भी नहीं, ठीक है। बिगर बैंक्स होंगे तो Basel III नॉर्म्स को कंप्लाई कर लेंगे, उनके पास ज्यादा कैपिटल होगा, अभी तो सबको अलग अलग कंप्लाई करना पड़ता है, सबको अलग अलग करना, बिगर बैंक्स होंगे तो सारा कैपिटल एक के पास आ जाएगा, बिगर बैंक्स होंगे तो Basel III नोट्स कंप्लाई कर लेगा, ठीक है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, उससे भी पीछे छूट सकता है अगर एनपीएस आपके खत्म हो गए, ठीक है। एनपीएस खत्म हो गए तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, TBS बताया था मैंने, TBS का कारण क्या है, एनपीएस, एनपीएस का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाए, साथ में हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट्स को भी लोन दे पाएंगे, बड़े बैंक होंगे तो, ठीक है। एनपीएस खत्म होंगे तो दे पाएंगे ना लोन, अभी तो नहीं दे पा रहे, ठीक है। अरे यार अभी बताया तो शेयर सारे खरीद लिए तो फिर किसको शेयर होल्डिंग देनी है, शेयर तो अब उसके पास आ गए ना खुद के पास। अगर मैं आपसे आपके शेयर्स खरीद लूंगा तो वाई शुड आई गिव यू दी शेयर्स, एक्विजिशन में शेयर्स खरीद नहीं जाते तो किसी को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। शेयर्स एक्विजिशन में आप शेयर्स खरीद लेते हो कंपनी के, वहां पे आपने शेयर्स खरीद लिए, जब खरीद लिए तो क्यों दूंगा, अगर मैं मार्केट में दुकानदार से कुछ सामान खरीद के लाया उसके बदले मैंने उसे पैसा दे दिया, तो मैंने शेयर्स खरीदे उसके बदले उस कंपनी को पैसा दे दिया, तो खत्म हो गई बात, वही बात खत्म हो गई। अब किसी को शेयर देने का मतलब ही क्या निकलता है, कोई शेयर होल्डर के शेयर तो हमने खरीद लिए, ठीक है। तो एक्विजिशन में शेयर्स खरीद लिए जाते हैं, वहां पे कोई शेयर स्वैप रेशियो काम नहीं करता, ठीक है। शेयर स्वैप रेशियो सिर्फ दो में काम करेगा, मर्जर और आपका अमलगमेशन। एक्विजिशन में तो शेयर खरीद लिए आपने उसके, अब किसी को शेयर होल्डर के शेयर तो खरीद लिया आपने, ठीक है, खरीद लिए तो फिर उसको देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, क्लियर। अब ये क्या कहता है कि बिगर बैंक्स होंगे तो उनका फेल होने के चांसेस कम है, बिगर बैंक्स होंगे तो उनके फेल होने के चांसेस कम है, इसलिए मर्ज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिगर बैंक्स अलग अलग तरह के लोन्स देंगे, हजारों तरह के लोन्स देंगे, तो हो सकता है एक सेक्टर में स्लो डाउन आए तो दूसरा सेक्टर पैसे पे बैक कर देगा, तीसरे में स्लो डाउन आए चौथा कर देगा, तो इनके फेल होने के चांसेस कम है। लेकिन मेरा मानना है कि इनके फेल होने के चांसेस भी उतने ही है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे भी बाहर US जैसी कंट्री में अगर स्लो डाउन आया, सबसे पहले बड़े बैंक डूबेंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा कैपिटल है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, जो छोटे बैंक होंगे वो फिर भी बच जाएंगे। तो ये हमने ड्रॉबैक में देखे। तो इसका कहना है कि बिगर बैंक विद डाइवर्स पोर्टफोलियोज, मतलब उसने अलग अलग तरह के लोन दिए हुए, have lesser chances of failure since it is unlikely that sector of an economy will face a crisis at same time that different sectors, इसका कहना ये कि हो सकता है अगर crisis आए भी तो वो किसी एक particular sector में आएगा, सब में तो आएगा नहीं, ठीक है।
तो सब में नहीं आएगा तो फिर वो फेल होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आपका यूएस जैसा 2008-9 वाला क्राइसिस आ गया तो सारे बैंक्स फेल हो जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, छोटे फिर भी बच जाएंगे, उनके पास कैपिटल कम होता है, ठीक है, और बड़ा फेल हुआ तो सारे के सारे, फिर तो पूरी इकोनॉमी डूब जाएगी। ट्विन बैलेंस शीट की बात कर रहा है, उसको सॉल्व किया जा सकता है, वो हम अभी देख चुके हैं, ठीक है। ये बनने के बाद क्या होगा, कॉर्पोरेट्स को आप कंपनी जो है, ठीक है, वो अब ट्विन बैलेंस शीट डेट एक्युमुलेशन बहुत हाई है, ठीक है, कंपनीज फेल हो जाती हैं प्रिंसिपल या इंटरेस्ट देने में, इसकी वजह से बैंक आगे उनको लैंड नहीं कर पाता, ठीक है, पूरा बैंकिंग मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। ये दोनों पॉइंट एक ही है, ठीक है, इनको एक करके पढ़ना। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो इसका कहने का मतलब ये, अगर आप एक लाइन में समझो, कि कॉर्पोरेट्स को भी लोन मिल जाएगा और उनके जो आधे अधूरे प्रोजेक्ट है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब बेनिफिट्स ऑफ मर्जर, रीजंस क्यों थे मर्जर के देख लिए, अब बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स देख लिए, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल ये तो हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं मानता हूं। अभी आपने 50 जगह ब्रांचेस खोल रखी है, उधर से आसपास में आप ट्रांसफर भी करते हो फिर हर साल, फिर आपको बिल्डिंग भी लेनी पड़ेगी, फिर आपका लाइट का भी खर्चा है, बिजली का भी खर्चा है, फिर वहां पे आपने हर बैंक के, जैसे आपने SBB खोला हुआ था पहले, आपने पटियाला खोला हुआ था, मैसूर खोला हुआ था, हर बैंक के आप CEO और MD भी बनाओगे, उनको एक्स्ट्रा आपको पैसा देना पड़ेगा। अब अगर सिर्फ SBI में मर्ज हो गए तो SBI का CEO और MD है, SBI अपनी ब्रांचेस खोलता रहे, अगर खोल लिए तो पहले ये बैंक की ब्रांचेज और फिर उनकी भी ब्रांचेज, मतलब पहले इनके एसोसिएट बैंक, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजय बैंक, बैंक उनकी बैंक की ब्रांचेज, अब कम से कम बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेज होगी, उसके पास अच्छा एक्सपर्टीज आ जाएगी, देना बैंक और विजय बैंक के जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो इसके पास आ जाएंगे, एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी इसकी, अभी एक्सपर्टीज क्या थी आपकी, इधर उधर तितर बितर थी, टुकड़ों में थी, एक एक्सपर्ट वहां बैठा है, एक एक्सपर्ट, अब एक ही छत के नीचे सारे एक्सपर्ट आ गए तो अच्छी पॉलिसी डिवाइस कर पाएंगे, ठीक है। मर्जर फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करेगा, बिल्कुल सही है, अब एक ही जगह बैठ के आप देखोगे कि ब्रांचेस ना खोल लिया, बैंक खोलने की जरूरत नहीं, ब्रांचेस खोलने में इतना पैसा खर्च नहीं होता जितना बैंक खोलने में होता है, बैंक के लिए तो आपको ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, ब्रांचेस तो आप कहीं पे भी खोल सकते हो, नहीं तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू आप हेल्प कर सकते हो, NPA और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ज्यादा पैसा आ जाएगा उनके पास, बेसल से भी कंप्लाई कर देंगे, बिगर स्केल ऑफ एक्सपर्टीज अवेलेबल हो जाएगी, अभी बताया मैंने, दैट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द स्कोप ऑफ इनएफिशिएंसी व्हिच इज मोर इन स्मॉल बैंक्स, स्मॉल बैंक में एक एक्सपर्ट बैठा है बाकी सारे डील है, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है, एक्सपर्टीज आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाएगी। और क्या है, अभी आप देखो तो जो बड़े बैंक है उनके जो एम्प्लॉयज उनको ज्यादा पैसा मिलता है, जैसे आपका SBI वालों को ज्यादा वो मिलते थे पर्क्स, जो SBBJ वाले उसको कम मिलते थे, बैंक्स में आपस में ही क्या है पर्क्स में डिफरेंस है, तो जब मर्ज हो जाएंगे तो वो पर्क्स का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, वेजेस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, सर्विस कंडीशंस यूनिफॉर्म हो जाएगी, सबको उतना ही HRM मिलेगा, सबको वैसी यूनिफॉर्म मिलेगी, सबके ट्रांसफर भी एक ही तरीके से होंगे, ब्रांचेस जितनी जरूरत है उतनी रखेंगे, लेकिन अब वो ब्रांचेस बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। मर्जर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारी ब्रांचेज बंद कर दो, लेकिन जो ब्रांचेज होंगी अब वो बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जानी जाएगी। बात देखो, मर्जर करने का मतलब ये है भाई कि आपने क्या किया है, जो 3 बैंक थे उनको आप एक साथ लिया है, देना, विजय और बैंक ऑफ बड़ौदा, इससे क्या हुआ है आपका इनका सबका कैपिटल एक साथ आ गया, सारे आपके एसेट्स एक साथ आ गए, बिल्डिंग्स विल्डिंग सब। अब ये जो देना बैंक के जो ऑफिसर वगैरह थे वो बाहर बैठते थे, वो एक ही जगह बैंक ऑफ बड़ौदा के वहां बैठे, जितने इनके इन्होंने फालतू की ब्रांचेस खोली हुई थी उनको हटा के बैंक ऑफ बड़ौदा देखेगा कि कहाँ पे ब्रांचेज रखनी कहाँ पे नहीं, जहां पे ब्रांचेज होगी वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा उसका नाम हो जाएगा ब्रांच का। अब सारा जो ट्रांसफर वगैरह होंगे वो एक ही जगह से होंगे, अब सब लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज कहलाएंगे। पहले क्या था, देना बैंक अपनी मर्जी कर रहा है, विजय बैंक अपनी कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी मर्जी कर रहा है, ब्रांचेज अभी भी रहेंगी लेकिन उनका नाम बैंक ऑफ बड़ौदा से हो जाएगा, ब्रांचेज खोलने में पैसा नहीं लगता है। और अब क्या है, रैशनल तरीके से देखा जाएगा कि कौन सी ब्रांचेज की जरूरत है कौन सी। मान लो आपने एक ही जगह पे 5 ब्रांचेज खोल रखी है,
उनकी जरूरत ही नहीं है, वहां पे बंद करके ऐसी जगह पे खोली जाएगी जहां पे जरूरत है। और मान लो एक जगह ऐसे, एक आप देखो एक एग्जांपल ऐसा है, मान लो एक ही सिटी है, एक कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई एक छोटा सा टाउन है, वहां पे एक बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच भी खुली हुई है, एक देना बैंक की भी खुली हुई है और एक आपकी विजया बैंक की भी खुली है, ये दो बंद कर देंगे। पहले तो ये तीनों ने क्यों अलग अलग खोल रखी थी, ये बैंक अलग था, ये बैंक अलग था, ये बैंक अलग था, फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे गवर्नमेंट ने बोला आप भी खोलो आप भी खोलो आप भी खोलो, तीनों ने खोल रखा है, क्या कोई अब कोई मतलब रहेगा? अब बैंक ऑफ बड़ौदा अकेला एक ब्रांच रखेगा, दो का खर्चा बचा, वहां पे कोई दूसरा बैंक खोले आप, ये तो खर्चा बच जाएगा ना इसका, ठीक है क्लियर? इतना डिटेल में नहीं जाओ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना समझो, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हमने बैंक की अभी बैंक में हमें रिसर्च नहीं करनी है, लेकिन हम इतनी रिसर्च करके बैठे यही ज्यादा है, ठीक है? आप कोई भी आप लेक्चर पढ़ देख लो, कहीं से किसी से भी जाके पढ़ लो, कोई आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। भले से आप दिल्ली चले जाओ, आप वाजीराम चले जाओ, आप ऐसा श्रीराम कॉलेज चले जाओ, ठीक है जो आपका है, या फिर आप ALS चले जाओ, आप नेक्स्ट IAS चले जाओ, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा जितना डिटेल। और ये मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपकी ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, अगर अभी ऑफलाइन क्लास होती तो आई हैव टू डिक्टेट, और जब डिक्टेट करना होता है देन वी हैव दी लिमिटेशंस, ये सब चीजें मैं डिक्टेट करके नहीं पढ़ा सकता, फिर डिक्टेशन में क्या है इनको शॉर्ट कर दिया जाएगा। अभी आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ लो, ठीक है? तो इसमें कोई ज्यादा इतना देखो हम रिसर्च नहीं करने जा रहे, इतना हमें पता चल गया कि ब्रांचेस जो है, ब्रांचेस तो आपकी खुली रहेंगी, देखो ये तो लॉजिकल बात है, ऐसे कैसे ब्रांचेस, लेकिन तीन थी उनमें से एक ही रह गई ना, ये दो बंद कर देंगे, ये तो रिडंडेंट हो गई ना, ये फायदा हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे ब्रांचेस खोली होंगी तीन, तो तीन में अलग अलग एम्प्लॉय बिठा के रखे होंगे, अब सिर्फ आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में बिठाना, ये फायदा होगा ना भाई। अब जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो अच्छा, वो अकेला इन तीनों ब्रांच के बराबर काम कर लेगा, उतने एम्प्लॉयज के साथ एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा बंदा भेजा जाएगा, सारा डिस्कशन एक ही रूफ के नीचे हो रहा है, तीन जगह पे डिस्कशन होगा तो एफिशिएंसी आएगी, या एक रूफ के नीचे डिस्कशन होगा तो एफिशिएंसी आएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी आएगी, ठीक है? मर्जर्स के बाद क्या होगा, बिगर कैपिटल बेस आ जाएगा, हायर लिक्विडिटी आ जाएगी, ठीक है? गवर्नमेंट को ज्यादा रिकैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का रिकैपिटलाइजेशन कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है? रिडंडेंट पोस्ट और डेजिग्नेशंस खत्म हो जाएंगे, हर बैंक के लिए आपने CEO बनाए हुए हैं, हर बैंक में आपने ब्रांचेस खोली हुई है, वो सब खत्म हो जाएंगे, इससे फाइनेंशियल सेविंग्स होंगी। अब आपने अगर अलग अलग बैंक के उनके CEO होंगे, उनके MD होंगे, यहाँ आपने तीनों बैंक की ब्रांच है, इनमें भी इनका मैनेजर होगा, यहाँ पे इनका मैनेजर होगा, बिल्डिंग का खर्चा, इस बिल्डिंग का खर्चा, ठीक है, लाइट का बिल, तो ये सब चीजें, ठीक है, कॉमन सी बात है, घर के 6 मेंबर 6 जगह रहते हैं और घर के 6 मेंबर एक जगह रहते हैं, कितना खर्चा बच जाएगा, बहुत खर्चा बच जाएगा, ठीक है? इसलिए आपका मर्जर किया गया। अब डिसएडवांटेज देखो, पहली प्रॉब्लम ये है कि बहुत से बैंक्स के रीजनल आपके लोग हैं, जैसे आपने खोले हुए हैं ना कई जगह पे रीजनल, जैसे आपने साउथ में ब्रांचेस खोली हुई है, ठीक है? अब देना बैंक के अलग आपके विजया बैंक है, विजया बैंक आपका साउथ का बैंक है, तो इसने ज्यादातर आपकी कहाँ खोली हुई है, साउथ में। लोगों को क्या है, इससे अपनी वो रहता है एक अटैचमेंट कि विजया बैंक हमारा साउथ का है, तो लोगों ने वहां पे अकाउंट खुलवाया, ठीक है? ऐसे देना बैंक के अपने कुछ कस्टमर्स होंगे, लेकिन जब आप इनको बंद कर दोगे तो वो लोगों का दिल टूट जाएगा, तो हो सकता है कि वो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं खुलवाया अकाउंट, फिर जाके वो SBI वगैरह में खुलवाए, ठीक है? तो इससे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया आपका डिस्ट्रॉय होता है। देखो ये सब बोल बच्चन है, लेकिन पेपर में लिखना पड़ेगा। मर्जर अच्छा है, एक बार करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये सब तो खैर बातें हैं, अगर उसको रीजनल ऑडियंस है भी, मान लो मुझे बहुत प्यार है देना बैंक से, ऐसा तो है नहीं ना देना बैंक बंद हो गया तो मैं अकाउंट में पैसा नहीं रखूंगा, मैं किसी और बैंक में रखूंगा। और आज की डेट में किसी का कौन सा एक बैंक में अकाउंट होता है, 3-4 में अकाउंट होता है, तो ये रीजनल ऑडियंस वाला तो कोई है, ठीक है? ये इसलिए डाला है कि लिखने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है? दूसरा क्या है, लार्जर बैंक्स जो अभी मैंने आपको बताया, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो वो ज्यादा वल्नरेबल है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉलर वंस फिर भी बच जाएंगे। मर्जर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर बैंक्स किसके अंदर आ रहे हैं, प्रेशर ऑफ वीक बैंक्स। मैंने आपको बोला हो सकता है स्ट्रॉन्गर बैंक से धड़ाम से गिर जाए, ठीक है? और मर्जर एक टेम्पररी रिलीफ है, थोड़े टाइम के लिए तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा,
बैड लोन्स का थोड़ी देरों के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आगे क्या, मान लो बड़े बैंक्स का ही बैड लोन बढ़ गए, बड़े बैंक्स के एनपीएस बढ़ गए, फिर क्या होगा? फिर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर आप क्या करोगे? फिर वापस से क्या उनको मर्जर को हटाओ? तो ये चार आपके हैं, पहला रीजनल ऑडियंस वाला प्रॉब्लम है, दूसरा बड़े बैंक्स भी फेल हो सकते हैं अगर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आए, स्टॉक अगर बैंक्स पे आपने बर्डन डाल दिया वीकर बैंक्स का तो उससे उनका इम्पैक्ट हो सकता है, टू वे हो सकता है, वीक बैंक स्ट्रॉन्ग बन जाए या स्ट्रॉन्ग बैंक भी वीक बन जाए, और लास्ट में मर्जर एक टेम्पररी रिलीफ है, टेम्पररी रिलीफ है, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ये, क्योंकि अब अगर मर्जर के बाद भी एनपीएस बढ़े फिर आप कुछ नहीं कर पाओ, तो ये चार आपके क्या है, ड्रॉबैक्स। ठीक है, पेपर में आपको अगर अच्छा अच्छा लिखना है तो थोड़ा थोड़ा उनके ड्रॉबैक भी लिखने होते हैं। ठीक है, दिस कंप्लीट्स अवर मर्जर। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन पर, एक स्कीम पढ़ानी है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन लिख लेते हैं। क्या होता है, हम बार बार बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या इंक्लूड करता है, देखो बैंकिंग, चार चीजें आती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग, क्रेडिट यानी लोन, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। अगर आपको कोई बोले कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या, तो ये चारों चीजें होनी चाहिए। बैंकिंग का मतलब क्या है, आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, सेविंग्स कर सको आप बैंक में जाकर, बैंक के थ्रू आप पेमेंट्स कर सको, आप एटीएम का यूज कर सको, कहीं पे पैसा निकाल सको, चेक वगैरह का यूज कर सको और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सको, बैंक आपको ये फैसिलिटीज देता है। जब ये फैसिलिटीज है मेरे पास तो मैं कहूंगा कि मेरे यहाँ पे बैंकिंग है। क्रेडिट, क्रेडिट मिलना चाहिए हर सेक्शन में एट अफोर्डेबल रेट्स, ऐसा नहीं कि 20-30% में मिल रहा है, अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होने चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्लान्स, चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए आते हैं चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट प्लान्स आते हैं, चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, इस तरह के प्लान होते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बैंक के अलावा भी बाकी चीजें होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पेंशन प्लान्स हो गए, ठीक है, और साथ में इंश्योरेंस भी होना चाहिए, वो भी सुविधा होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए, अभी कोविड में अगर कोई निपट गया, अगर उसने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ, उसके घर वाले तो सेफ है, उनको तो पैसा मिल जाएगा, जैसे मैंने कराया हुआ है इंश्योरेंस, अगर मुझे कुछ हो भी गया तो आज की डेट में भी मेरी कीमत 4-5 करोड़ तो है, इतना तो मेरे घर वालों को मिल ही जाएगा, तो कम से कम मैं शान से नहीं रह पाया, वो तो शान से रहेंगे। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस यानी कि कार का इंश्योरेंस, स्कूटर का इंश्योरेंस, ये भी सब होता है, ये भी होना चाहिए। तो ये जब चारों चीजें अवेलेबल होती हैं किसी भी इकोनॉमी में, नहीं नहीं पेनिट्रेशन एम्पर नहीं होगा भाई, जो बड़े बैंक्स होते हैं उनकी ब्रांचेस तो बिल्कुल रिमोट एरियाज में होती होती हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल होता है, वो रिमोट है, जैसे एसबीआई की ब्रांच आपको सब जगह मिलेगी, जो बड़ा बैंक होगा उसके पास कैपिटल बेस बड़ा होता है तो वो कहीं पे ब्रांच खोल सकता है। ठीक है, तो बल्कि पीएसएल में अच्छा हो जाएगा, पीएसएल ये तो एडवांटेज है, पीएसएल में फायदा होगा। ठीक है, चलो ये चारों चीजें जब होंगी किसी भी सिस्टम में तो हम बोलेंगे कि वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन है। B for banking, C for credit, B C I I. ठीक है, अब एक हमने स्कीम चलाई थी, वैसे तो पुरानी स्कीम है काफी, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हुई है तो इस स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर में आती रहती है कि भाई जो आपके अकाउंट खोले गए थे वो डमी अकाउंट है, उसमें पैसा जमा नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो हमें पता होना चाहिए। इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार वो मैच द फॉलोइंग दे देता है। ठीक है, और किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी मैंने आपको इंद्रधनुष भी पढ़ाया था, उसको भी ये इंप्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैंने कहा ना सबसे ऊपर क्या होता है आपका मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के नीचे आते हैं ऑफिस। ठीक है, जैसे ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर पढ़ा था हमने। ठीक है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कौन सा था, मिनिस्ट्री। ठीक है, और मिनिस्ट्री कौन सी थी, स्टैटिस्टिक्स, सीएसओ था उसमें, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, या फिर आपका अभी देख लो
यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, और उसके ऊपर मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक इसका दूसरा डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे बनाता है। तो एक ही मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी आता है इसके अंदर, ठीक है। तो बजट में देखेंगे कब शुरू हुई थी, 15th of August 2014, ये अगस्त 2014 में शुरू हुई थी, इंद्रधनुष अगस्त 2015। सिक्स पिलर्स, इसमें छह पिलर्स हैं जो दो फेजेस में कंप्लीट करने थे, हमने कर लिए कंप्लीट। इनिशियल टारगेट था कि 7.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोले जाएंगे, जिसको बाद में रिवाइज करके 10 करोड़ कर दिया गया एक साल में, मतलब 2014 से लेके 2015, यानी 15 अगस्त 2014 से लेके 14 अगस्त 2015 तक। आज तक हम कितने अकाउंट खोल चुके हैं, 42 करोड़, 42 करोड़ बैंक अकाउंट। अब आप सोचो कितना हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे प्रोवाइड कराया। इनको हमने बीमा भी दिया है, रुपए डेबिट कार्ड भी दिया है। आज की डेट में आप देखो डिजिटल डिवाइड को हमने काफी कुछ कम करने की कोशिश करी है। देखो मुझे याद आता है कि आज से 7-8 साल पहले आप इतना ऑनलाइन नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि पेटीएम क्या होता है, फोन पे क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है। आज की डेट में आप बैठे बैठे क्या है, आप फोन पे कुछ भी आप कर सकते हो तुरंत, पेटीएम पे कुछ भी कर सकते हो तुरंत, ट्रांसफर कर सकते हो पैसा अपना, चेक कर सकते हो सब कुछ, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां जहां म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इतनी सारी एप्स आ गई है। तो चीजें इंप्रूव हुई है, चीजें बेटर हुई है, ऐसा कोई इसमें कोई शक नहीं है। भाई कभी भी ब्रांचेस बंद होती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, उनको कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाता है, ठीक है, उनको दूसरे वाले में सेट कर दिया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मर्ज किया तो नौकरी से निकाल देंगे, मर्ज करके नौकरी से नहीं निकालते, उनको कोई और काम दे दिया जाएगा बैंक में, ठीक है। बैंक कुछ नई ब्रांचेस भी तो खोलेगा आगे जाके, आज की डेट में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती जा रही है तो ज्यादा लोगों को कैटर करने के लिए ब्रांचेस भी तो खोलेगा। कभी भी मर्जर होगा तो कभी जॉब से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है, दिमाग में बात बिठा लो। गवर्नमेंट जॉब लगना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल उससे निकालना है। अगर लगने में आपको 2 साल लगे हैं तो आपको निकालने में उनको 60 साल लग जाएंगे, पूरे रिटायर हो जाओगे, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने चीफ का मर्डर कर दो, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसे ही काम कर दो, गबन कर दो, सारा पैसा लेके भाग जाओ, कोई बहुत बड़ा करप्शन कर दो, नहीं तो अगर आप आराम से करते रहो, क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और आराम, कंफर्ट, बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। प्राइवेट में तो आपको अगर 20,000 देंगे तो आपसे 2 लाख का काम देंगे, यहाँ पे आपको 2 लाख दे रहे हैं तो आपसे 20,000 का काम दे रहे हैं, ठीक है। मेहनत भी तो की ना आपने, एग्जाम क्लियर किया, प्राइवेट में तो जुगाड़ से लग जाते हैं, रेफरेंस से लग जाते हैं, यहाँ तो मेहनत है भाई, दिन रात करके मेहनत करते हो तब जाके लगते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिशन आप फाइट करते हो, रात की नींदे खराब करते हो। दो फेजेज है, पहला फेज देखो उसका, अभी तक हम 42 करोड़ खोल चुके अकाउंट, याद रखना। पहला फेज 15th of August 2014 से 14th of August 2015, एक साल हो गया। सबसे पहले सबको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करानी थी 5 किलोमीटर एरिया, जैसे मैं अगर 5 यहाँ पर रहता हूँ तो मेरे 5 किलोमीटर के एरिया में बैंकिंग सर्विस होनी चाहिए। बैंकिंग सर्विस के नाम पे ATM हो या कोई ब्रांच हो, कुछ भी हो, लेकिन बैंकिंग सर्विस होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, एरियाज को डिवाइड कर दिए, कितने में, सारे एरियाज को 1000 से लेके 1500 हाउस होल्ड में डिवाइड कर दिया। जैसे ये मेरा घर है, यहाँ पे 1000 से लेके 1500 हाउस होल्ड हैं, और यहाँ पे एक बैंक को बोल दिया कि आपको यहाँ पे कैटर करना है, ठीक है। अब क्या आसान हो जाता है, आप फ्रेगमेंटेड करके करते हो तो चीजें आसान हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी बुक है, कोई मोटी बुक है, तो उसके पार्ट कर लो, या आपको सिलेबस कवर करना है तो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो, आपको याद भी रहेगा, अगले दिन उसको रिवाइज करो फिर अगला पढ़ो। आप क्या करते हो, लास्ट में जाके एग्जाम के टाइम पे पढ़ना शुरू करते हो, पढ़ते कुछ हो, रिवाइज कुछ करते हो, समझते कुछ हो, लिखते कुछ हो, वो नहीं करो। फिर हर हाउस होल्ड को एक अकाउंट देना था, एक फैमिली के लिए अकाउंट देना था, पर पर्सन नहीं, पर फैमिली। जैसे घर में 6 मेंबर है तो उनमें से एक का अकाउंट होना चाहिए, और वो भी अकाउंट किसके नाम में होना चाहिए, एल्डर, अगर कोई आपकी लेडी है, कोई एल्डर व्यूमेन है, उसके नाम, जिसकी एज 18 से ऊपर है। और अगर नहीं है ऐसी कोई 18 से ऊपर वाली, तो फिर एल्डर जो मैन हो। यहाँ ह्यूमन एम्पावरमेंट की भी बात की गई, लेडी के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि उसी के नाम पे राशन कार्ड होगा, तो फिर अगर घर का कोई दूसरा मेंबर होगा, कोई अगर दारू वारू पीता है तो वो तो सारे पैसे भी दारू पी आएगा, राशन बेच आएगा,
केरोसिन बेच जाएगा, इसलिए व्यूमैन के नाम। ठीक है, उनको एक रुपए डेबिट कार्ड दिया गया, ये हमारा खुद का डेबिट कार्ड है डोमेस्टिक, जिसको यूज करके वो एटीएम से पैसा निकाल सकते। जो जो इस एक साल में जो आपका ले रहा था प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खुला था, उसको ये फायदे दिए गए। ठीक है, दूसरा फायदा क्या दिया गया, 1,00,000 का एक्सीडेंट कवर इंश्योरेंस दे दिया गया और 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई। अब ये बढ़ा के 10,000 कर दी गई। मान लो मेरा कोई बैंक में अकाउंट है और मैं अकाउंट में रेगुलरली पैसे डालता हूँ, मैंने अकाउंट में मेरे पैसे क्या होते हैं, पैसे इन भी होते हैं और रेगुलरली आउट भी होते हैं, मतलब रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मतलब मैंने लोन वोन भी लिया वो भी टाइम पे चुका दिया, तो बैंक अकाउंट में मेरा क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छा है, मेरा इन आउट भी अच्छा है, रेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अब बैंक वाले को पता है मेरी हिस्ट्री अच्छी है, तो अगर कभी मुझे पैसों की जरूरत पड़ी इमरजेंसी में तो मैं 5,000 रुपए वहां से निकाल सकता हूँ। इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बिना किसी ब्याज व्याज के, फिर इसको बाद में मैं किश्तों में वापस कर सकता हूँ। ठीक है, किश्तों में वापस कर सकता हूँ एक साल में। ठीक है, मतलब 5,000 रुपए मैं निकाल सकता हूँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से कहते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है तो भी आप उसके ऊपर पैसे निकाल सकते हो, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, इसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। हमने जब वो पढ़ा था वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वहां पे भी हमने पढ़ा था कि 90 डेज तक उसके ऊपर जाओ तो फिर वो ओवरड्राफ्ट में चला जाता है। ओवरड्राफ्ट मतलब एक्स्ट्रा, लेकिन ये निकाल कौन सकता है, जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। तो 5,000 की थी ओवरड्राफ्ट, जैसे गांव में है, मान लो कोई किसान है, जनधन योजना में ज्यादातर गरीब लोगों का अकाउंट खुला है, कोई किसान है उसके पास पैसा नहीं है बीज के लिए फर्टिलाइजर के लिए, और उसका रिकॉर्ड अच्छा है, वो रेगुलरली पैसा आता है फसल का तो डाल देता है फिर निकाल भी लेता है, तो वो जाके 10,000 ले ले यहाँ से, पहले 5,000 थी अब 10,000 कर दी, ले ले सीड वगैरह लिया है अपनी फसल लगाए, बाद में चुका देगा उसको बिना ब्याज के। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपकी अच्छी। Is there any problem in my voice? Is there any problem? Am I audible? Am I audible? Am I audible? हाँ भाई अरुण, तुम क्या दिक्कत है आपको? No problem with others? Crystal clear है then? चेक योर कनेक्शन, फर्स्ट चेक योर कनेक्शन एट योर साइड ना, देन राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, कल दो बच्चे थे उनको मेरे को निकालना पड़ा क्लास से, मुझे मैसेज आया उसमें मेरे 10 मिनट खराब हुए। अब अगर आप ऐसे एक बार अपने एंड से कर लो चेक, मैं जितना मेरा टाइम खराब होगा वो आपका नुकसान, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है, मैं 9:15 से ज्यादा, अब आज मुझे ऑफिस जाना है, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं ले पाऊंगा क्लास, मेरा मूड था कि आज मैं बजट शुरू करूंगा लेकिन अब वो मुश्किल है। ठीक है, तो फेज आपकी वो, क्योंकि अभी तो मेरे को 4R 4D भी पढ़ाना, तो तीसरा क्या है आपका, सब दूसरा एक्सीडेंट कवर, और देखो आपका पूरा है ना रिदम खराब हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि एक बार अपने एंड पे चेक कर लो, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो ना। 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है, हम जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आपके भले के लिए ये सब। मैं अपने लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा, मेरी अपनी सरकारी नौकरी है, मेरा उससे बढ़िया काम चल रहा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ कि मेरे को कुछ ज्ञान है तो आपको दे दूँ। ठीक है, 10,000 रुपए की तो वो ले सकता है जाके पैसा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो ये आपको याद रखना है। और तीसरा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया, आपको लोगों को लिटरेट तो करना पड़ेगा ना अकाउंट खुलवाने के लिए, एटीएम वगैरह यूज करने के लिए, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कभी अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए। पहला बैंक अकाउंट देना है, दूसरा सबको क्या देना है, पहले में तो क्या बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करानी है, सबका अकाउंट खोलना है, 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देनी थी जो अब 10,000 हो गई है, एक्सीडेंट के नाम पे 1,00,000 का एक्सीडेंट कवर देना है, मैंने अभी इंश्योरेंस की बात की ना, रुपए डेबिट कार्ड देना है, और तीसरा फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, समझाना पड़ेगा ना लोगों को। अब बाकी के 3 पॉइंट सेकंड फेज में किए गए। सेकंड फेज में आपके क्या किए गए, पहला क्रेडिट गारंटी फंड। सेकंड फेज कब चला, 3 साल के लिए था, 15th ऑफ अगस्त 2014 से लेके
14th ऑफ अगस्त 2018 तक। इसमें आपको क्या करना था, क्रेडिट गारंटी फंड, मान लो कोई ओवरड्राफ्ट का पैसा लेके भाग गया तो फिर उसको कौन भरेगा, तो उसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया जो गवर्नमेंट ने बनाया कि अगर कोई लेके भाग जाता है तो उसका पैसा गवर्नमेंट भरेगी, ठीक है। फिर माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर किए गए, जैसा अभी मैंने आपको बताया इंश्योरेंस के नाम पे। क्या बोला गया कि बैंक से सिर्फ बैंकिंग का ही काम ना करे, वो ये चीजें भी करे, इंश्योरेंस वगैरह करे, डाइवर्सिफाई करे अपने बिजनेस को। और लास्ट में बोला गया कि जो सारा पेंशन ट्रांसफर होने वाला है, जिन लोगों को पेंशन मिलती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू होने चाहिए, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाने चाहिए, उनको नहीं आना है कहीं पे भी कोई मैनुअली, डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार से लिंक कर दो और उनके अकाउंट में भेज दो ताकि उनको चक्कर ना लगाने पड़े। पहले उनका एक अकाउंट खोल दो सबका जिसका नहीं है, ठीक है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो, ठीक है। पहले अगर किसी और के अकाउंट में जाती थी उनके अलावा, उन्होंने बेटी के अकाउंट में करा रखी थी, बेटे के में नहीं, उनका डायरेक्ट आप एक अकाउंट खोल दो, डायरेक्ट उनके में ट्रांसफर कर दो। तो ये तीन स्टेप्स आपके सेकंड फेज में किए। वैसे तो प्रधानमंत्री जनधन योजना पुराना टॉपिक है, कोई आप मुश्किल पूछेगा, लेकिन न्यूज में आता रहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोले गए वो डमी थे, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा इसमें पता होना चाहिए 42 करोड़ अकाउंट खोल चुके हैं, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इसको देखता है, जब आपका यूपीएससी 1969 की स्कीम पूछ सकता है, लीड बैंक स्कीम, तो ये भी पूछ सकता है, ये तो कोई बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना। इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है, अब मैं इसको भी देख लेते हैं, अब टाइम है तो, ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको समझा तो दिया ही क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ और समझाता हूँ, बाकी आप थोड़ा घर से देखना, ठीक है, कोई नहीं समझ आए तो मुझसे पूछना, या पहले मैं आपका 4R 4D लेता हूँ, उसके बाद टाइम मिलेगा तो इसको लेना, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। हाँ, ये दो टर्म, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पहले ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसको ले, ठीक है, अगर टाइम बचेगा। कुछ मिसलेनियस टर्म्स जो बार बार आपके आ रही है, ठीक है, सब मिसलेनियस टर्म्स, इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। पहला है फार्म लोन्स, सरफाइसी एक्ट नॉट एप्लीकेबल, सरफाइसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो नेगोशिएशन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेयर कट, दैट इज वन टाइम सेटलमेंट। क्या होता है हेयर कट, आप कटिंग करवाने जाते हो, हेयर कट कराते हो तो आप थोड़े बाल साइड के कटवा देते हो, थोड़े ऊपर के कटवा देते हो, ठीक है, तो हेयर कट में ऐसे ही करते हो आप छोटे छोटे, या फिर अगर आपके दो मुंह बाल है, ठीक है, वो कटवा देते हो, शेविंग भी करवाते हो, थोड़ा सा आप सेट करवा देते हो। ऐसे किसान ने लोन लिया, फार्मर, ये ज्यादातर कौन से लोन्स में एप्लीकेबल है, ट्रैक्टर लोन, मान लो उसने ट्रैक्टर लोन लिया 6 लाख, अब वो 6 लाख रुपए नहीं चुका रहा, ठीक है, अब यहाँ पे तो सरफाइसी एप्लीकेबल नहीं है, आप ट्रैक्टर ला नहीं सकते उठा के, सरफाइसी एप्लीकेबल नहीं है ना, तो सरफाइसी एप्लीकेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर दोगे कि तुम 6 लाख नहीं दे रहे, तुम हमें 5 लाख दे दो या 4 लाख दे दो, आप उसमें से थोड़ा सा पैसा कम कर दोगे, दिस इज हियर कट। तो ऐसा बहुत सारे बैंक्स करते हैं और ये अलाउड है, कैसे तो आपको पैसा लेना है, और वैसे भी किसान यार गरीब आदमी है, अगर आप अमीर जो इतने सारे हैं उनको आप करोड़ों का वेवर दे देते हो, तो अगर किसान को हेयर कट दे दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात, यहाँ पे पैसा आप ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, डेट आप उसको वेव ऑफ नहीं कर रहे हो, तो फार्म लोन्स में केस में ये किया जाता है, हेयर कट पहला, ठीक है, पहला है आपका फार्म लोन्स। दूसरा है डेट वेवर, अगर आपने पूरा ही लोन माफ कर दिया, किसी का भी कर दे, मेरा कर दे, आपका कर दे, मान लो कल को कोरोना ज्यादा फैल जाए, किसी के पास पैसा ना, गवर्नमेंट सबके लोन माफ कर दे, बोरोवर्स नीड नॉट टू पे द लोन बैक, कोई भी हो सकता है, ये किसान, ज्यादातर किसान के केस में किया जाता है, ये भी फार्मर्स के केस में किया जाता है, फार्मर्स ने जो अपनी लैंड पे लोन लिया, या फर्टिलाइजर्स के लोन लिया, सीड्स के लिए लोन लिया, हो सकता है ट्रैक्टर वाला भी माफ कर दिया जाए, दोनों में से दोनों ऑप्शन है इनके पास, तो लोन वेव ऑफ कर दिया जाता है, लोन वेव ऑफ किया जाता है बहुत से किसानों को, जैसे बीच में आपने पढ़ा होगा थोड़े दिनों पहले 36,000 करोड़ रुपए माफ किए थे योगी आदित्यनाथ, अब वो हुए नहीं हुए लेकिन न्यूज़पेपर में आया था। अब क्या है, इसके लिए ये गलत चीज है, आप पूरा लोन माफ कर दो ये गलत चीज है, किसी के भी नहीं करना चाहिए, ना बड़े कॉर्पोरेट्स को करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका
इससे तो बैंक्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, इट इज वेरी अनहेल्दी। और इसके लिए एसबीआई भी मना करता है, इसके लिए आरबीआई भी मना करता है, इसके लिए आपका इकोनॉमिक सर्वे भी मना करता है, क्योंकि फिर आदत लग जाएगी उनको, फिर आदत लग जाएगी। वो हर साल क्या करते हैं फिर किसान या जो भी होगा, जब आपके इलेक्शंस होने वाले होंगे उससे पहले वो लोन नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है इलेक्शंस के टाइम डेट वेयर का अनाउंसमेंट हो जाना, और डेट वेवर किया जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद करना जरूरी है। हेयर कट मीन्स सम रिबेट, जैसे आपका 6 लाख का लोन था तो वो आपको बोले 4 लाख दे दो, चलो वन टाइम सेटलमेंट। अगर आप एक बार वन टाइम सेटलमेंट में क्या होता है, उनको टाइम पीरियड दिया जाता है। जैसे मान लो अभी आपका चल रहा है, आप जून चल रहा है, मैं उनको बोलूं कि 31 जुलाई से पहले पहले अगर आप दोगे तो आपको 6 के बजे 4 ही देंगे। समझ गए आप बात को? तो किसान भी सोचेगा यार चलो 6 के बजे 4 ही देने दे देते हैं, और मान लो समय इलेक्शन भी नहीं है, पता है कि डेट वेवर नहीं होगा, दे देते हैं। ठीक है, तो सरफाई से एप्लीकेबल नहीं होता, तो यहाँ पे हेयर कट का सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर आपका लोन राइट ऑफ, लोन राइट ऑफ में क्या करते हो आप, फॉर द टाइम बीइंग लोन्स आर राइट ऑफ टू क्लीन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स। राइट ऑफ में आपको समझा चुका हूँ, कुछ टाइम के लिए आप साइड में रख देते हो लोन्स को, लेकिन आप उनको बाद में रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे रिकवर का कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार आपने वेव ऑफ कर दिया फिर कोई रिकवर नहीं। एंड लास्ट इज विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर्स वो होते हैं जिनकी कैपेसिटी तो होती है पे करने के लोन, लेकिन वो जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं। जैसे विजय माल्या, पैसा था उसके पास लेकिन उसने सोचा कि ये सिस्टम मेरा क्या बिगाड़ लेगा तो मैं भाग जाता हूं, दैट इज विलफुल डिफॉल्टर। तो ये 4 टर्म्स आपकी बार बार यूज हुई है तो मैंने आपके लिए अलग से स्लाइड्स बना दिए। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे ने भी कुछ सजेशन दिए थे एनपीएस को टैकल करने, ठीक है, वो सजेशन देख लेते हैं। Then it will complete our banking, money and banking. जो आपका insolvency and bankruptcy code है वो मैंने आपको समझा दिया, आप घर जाके एक बार पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगा। नहीं आए तो यू कैन आस्क मी, मैं कल आपका रिपीट कर दूंगा, कल से मैं बजट शुरू करूंगा। तो सर्वे ने कौन कौन से आपके दिए हमको वो देख लेते हैं। पहला इकोनॉमिक सर्वे 2015 वाले ने 4 आपके आर दिए, उसने 4 आर दिए एनपीएस से निपटने के लिए। 4 आर, पहला दिया रिकॉग्निशन, दूसरा दिया रिजोल्यूशन, तीसरा दिया रिकैपिटलाइज, चौथा दिया रिफॉर्म। तो रिकॉग्निशन क्या है, सबसे पहले आप रिकॉग्निशन करो, रिकॉग्निशन ऑफ बैड लोन्स। पाया एसेट क्वालिटी रिव्यू, AQR, पढ़ा चुका हूं मैं AQR आपको, SMA 0, SMA 1, SMA 2। सबसे पहले आप रिकॉग्निशन जरूरी, कमजोरी को सबसे पहले पकड़ लो। दूसरी बात पे आप क्या करो, फिर उनका रिजोल्यूशन करो। आपने पकड़ ली कमजोरी, फिर रिजोल्यूशन कैसे करना, यूजिंग 5/25, यूजिंग SDR, यूजिंग S4A, यूजिंग JLF, जॉइंट लेंडर फोरम। ये क्वेश्चन पूछ चुका है S4A, ठीक है, आपका JKS में पूछा गया, KS में पूछा गया, JLF या आपका SRFIC या आपका DRT एक्सेट्रा, इनको यूज करके, या आपका अब तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी आ गया IND कोड। मतलब सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे पहले बीमारी को पकड़ो, फिर उस बीमारी का इलाज करो। ये आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आपके पास इलाज करने के बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, जिन बैंक्स को पैसों की जरूरत है, जो सही में जेन्युइन है, जिनके एनपीएस इस वजह से बने कि उन्होंने लेंडिंग सही जगह से दी, कोई करप्शन नहीं किया, उनको आप रिकैपिटलाइज करो। और रिकैपिटलाइज करने में गवर्नमेंट ने किया भी है इंद्रधनुष में, करोड़ दिए।
ठीक है, तो उसको रिकैपिटलाइज करो। एंड लास्ट इज रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो रिफॉर्म भी किया है गवर्नमेंट ने। क्या किया है, पहला आपका सीईओ और एमडी की पोस्ट को बाइफर्केट कर दिया ना, सीईओ और एमडी की पोस्ट को। दूसरा क्या है आपका, बैंक बोर्ड ब्यूरो बना दिया है, तीसरा आपके अपॉइंटमेंट्स में बैंक्स को ऑटोनॉमी भी दे दी है, आपका ज्ञान संगम भी हो रहा है, वो अलग बात है कि दो ही बार हुआ। तो इसने बोला कि चार आर करने की जरूरत है किसको, ठीक है, बैंक्स को। पहला रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, दूसरा क्या करो, रिजोल्यूशन करो उसका, तीसरा उसको बैंक्स को जिनको जरूरत है उनको रिकैपिटलाइज करो, चौथा रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो बना दिया गया, हमने बाइफर्केट कर दी पोस्ट, ठीक है, ये चार आपके आर दिए इसने। तो इनमें से हमने काफी कुछ किया है, ठीक है, वो जो किया है वो आपके सामने, ठीक है, 2015 में किया गया था, ठीक है, उसके बाद 16 में आया है आईएनडी कोड, इसलिए उस समय ये नहीं लिखा था, अब मैंने लिख दिया, ठीक है। तो पहला आपको चार आर करने, अब इसने 2015 में चार आर की बात करी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा इसके नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ये उसमें यही चारों चीजें लिखी हुई है, मैं हैंड रिटन नोट्स आपके ग्रुप में भेज दूंगा। नेक्स्ट 4D इसने बात करी, उससे एक साल पहले 4D की बात करी इसने, कब, 2014। 4D में क्या बोलते हैं, पहला डिसइंटर, दूसरा डिफरेंशिएट, तीसरा डाइवर्सिफाई और चौथा डी रेगुलेट। डिसइंटर का मतलब होता है डिग अप ग्रेव्स, कब्र खोदना, किसकी कब्र खोदोगे, जिसने लोन वापस नहीं किया, और उनकी कब्र कैसे खोदोगे, सरफाइसी और डीआरटी यूज करके। और अब तो आईएनबी कोड भी हमारे पास, पुराने लोन जो आपके एनपीएस बन चुके हैं उनको आप रिकवर करो यूजिंग सरफाइसी एक्ट, यूजिंग डीआरटी और यूजिंग आईएनबी कोड, पहला काम ये करना, पुराने एनपीएस को फॉलो करना, डिसइंटर। फिर आप डिफरेंशिएट करो बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग बैंक्स, जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिकैपिटलाइज करो, और जो वीक बैंक है उनको मर्ज करो जिनके एनपीए ज्यादा। दूसरा डिफरेंशिएट, वीक और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंशिएट करो, स्ट्रॉन्ग को कैपिटलाइज कर दो और वीक वाले को मर्ज कर दो। फिर डाइवर्सिफाई करने है आपने बैंक, आपने बैंक्स को डाइवर्सिफाई करना है, किस टर्म्स में, नंबर में भी और वैरायटी में। नंबर आपको बढ़ाने हैं, लेकिन कौन से बैंक्स के बढ़ाने हैं, प्राइवेट बैंक्स के, ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। प्राइवेट बैंक्स को ज्यादा लाइसेंस दो, आपने सब पब्लिक सेक्टर पे छोड़ रखा है, नहीं, प्राइवेट बैंक्स को ज्यादा लाइसेंस दो। और वैरायटी, नए नए बैंक्स लाओ, तो हम लेके आए स्मॉल फाइनेंस बैंक, और साथ में पेमेंट बैंक, ये दोनों प्राइवेट। और लास्ट में डी रेगुलेट करो, किसको डी रेगुलेट करो, एसएलआर को, एसएलआर को कम करना है, तो आज की डेट में 18% है, तो इन्होंने बोला इसको और कम करो, पहले और ज्यादा था, 2014 में बहुत ज्यादा था, ठीक है, 22% था, अब उसको 18% कर दिया, और कम हो जाएगा आगे। दूसरा क्या है, एक चीज और करो, आप जो कॉर्पोरेट्स वाले हैं, जो बिजनेसमैन है उनको बोलो कि भाई आप बॉन्ड इश्यू करके पैसा रेज कर लो, यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को आप प्रमोट करो, उनको बोलो अपने बॉन्ड्स इश्यू करो
और पैसा रेज करो, जैसे फॉरेन में होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को प्रमोट करो, आप क्या करेंगे, ये अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू करके पैसा लेके आएंगे। जितना ज्यादा पैसा ये यहां से लेके आएंगे, जितनी ज्यादा मनी ये यहां से लेके आएंगे, उतना ही कम ये बैंक से लोन लेंगे और बैंक पे बर्डन कम पड़ेगा। हम करते भी हैं, जो आपका वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक मसाला बॉन्ड्स और महाराजा बॉन्ड्स, इन दो को इशू करके महाराजा और मसाला हमें पैसा बैंक इनको कॉर्पोरेट्स को पैसा लाके देता है, ये हमने प्रमोट किए हैं। तो डिसइंटर, डिग अप ग्रेव्स, ठीक है। सेकंड इज डिफरेंशिएट, थर्ड इज डाइवर्सिफाई, फोर्थ इज डीराइव, ये आपको करना है, ठीक है। This is all about here 4R and 4. हाँ, अभी हम उसी पे चल रहे हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पे चल रहे हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के, आप स्लाइड देखिए, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया, इसमें वही लिखा है सर। देखिए आप पहली स्लाइड देखो, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में 4.3 इयर्स लगते हैं ऑन एन एवरेज। दिस इज हायर व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज सच एज यूनाइटेड किंगडम, वहां एक साल लगता है, यूएसए में 1.5 साल लगता है। दीज डिलेज आर कॉज्ड ड्यू टू टाइम टेकन टू रिजोल्व केसेस इन कोर्ट्स एंड कंफ्यूजन ड्यू टू ए लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द करंट बैंकरप्सी फ्रेमवर्क। सरफाइसी और डीआरटी काम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमारा इंसॉल्वेंसी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। What does the current code aim to do? तो current code आपका क्या करता है, 180 से लेके 270 दिन के बीच में सॉल्व करने की कोशिश करता है, किस तरह से, दोनों से बात करके, बैंक से भी और डिफॉल्टर से। ये कोई भी चीज यूज कर सकता है, 5x25 HDR कोई भी ऑप्शन यूज कर सकता है, ठीक है। तो उनमें से कोई भी ऑप्शन यूज करके ये कोशिश करता है कि इतने दिनों में सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपकी हैं, एक तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं आपके, एक तो आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं जो आपका काम करेंगे, ठीक है, जो आपके बीच में, जो दोनों के बीच में मीडिएट करेंगे। दूसरा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है जो इनको लाइसेंस देती है, जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एंड पुअर, अर्नेस्ट एंड यंग, जैसे आपको जब आप कैसे कोई लॉयर होता है वो आपके LLB करता है, उसके बाद उसको लाइसेंस मिलता है। ऐसे कोई फार्मा वाला होता है वो बी फार्मा करता है, उसको लाइसेंस मिलता है। ऐसे ही आपको, ऐसे कोई अगर आपको एयर होस्टेस बनना है, तो ऐसे ये दो आपकी फॉर एग्जांपल ऐसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर, अर्नेस्ट एंड यंग। यहाँ पे आप एनरोल कराओ, आपको ये ट्रेनिंग देंगे, पैसा लेके आप फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाओ। फिर जब बैंक्स को और जो आपका डिफॉल्टर है उनको अगर इनकी जरूरत होगी, ये इनको बोलेंगे, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भेज देंगे, ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आएगा, वो आपका केस देखेगा, फिर दोनों से जाके वो नेगोशिएशन करेगा और आपका फैसला करेगा, ठीक है, क्लियर। इसको एक बार घर जाके अच्छे से पढ़ना स्लाइड को। फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, सारी जानकारी देनी पड़ेगी आपको किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, कि कितने लोन है, ठीक है, कितना कितना एनपीए बना हुआ है। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज में अगर कोई कंपनी है तो उसका केस चलेगा नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल में, ये कंपनीज के लिए, जैसे कोर्ट होते हैं ऐसे ये अगर आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो NCLT में केस चलता है, और अगर किसी इंडिविजुअल ने डिफॉल्ट किया है तो DRT में केस चलता है। और ये पूरा INB कोड कैसे इंप्लीमेंट होगा उसको देखता है इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड, और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड देखता है सबको लाइसेंस यही देता है। इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल एजेंसीज को ये लाइसेंस देगा, फिर इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल एजेंसीज आगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लाइसेंस देगी। जैसे आपका RBI होता है ना, RBI बैंक्स को देखता है, ऐसे ही आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड किसको देखता है, आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को। इसका करंट चेयरमैन है आपका MS साहू, ठीक है, करंट चेयरमैन है इसका MS साहू, ओके।
रिजोल्व कैसे करेगा इंसॉल्वेंसी, वो मैं आपको बता चुका हूँ 180 से लेके, ठीक है, और दोनों के पास जाएगा। अगर दोनों नहीं मानते हैं तो फाइनली लिक्विडेशन हो जाएगा। अगर दोनों नहीं मानते तो फाइनली उस कंपनी को बेच दिया जाएगा। बेचने के बाद सबसे पहले पैसा मिलेगा जो आपके बैंक्स हैं जिन्होंने लोन दिया है, मतलब क्रेडिटर्स को, और लास्ट में मिलेगा इक्विटी होल्डर्स को। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट होता है बैंकिंग। आप एक बार इसको पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। कल से हम बजट शुरू करेंगे, आज नहीं कर रहे शुरू, आज टाइम इतना है, इट्स ऑलरेडी 9:12। कल से हम बजट शुरू करेंगे। बजट थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत है। वहाँ थ्योरेटिकल कुछ नहीं है बजट में, बजट में सब समझने वाला है। ठीक है, बजट में अगर आप देखोगे तो सब समझने वाला है, तो कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बजट की स्लाइड्स दिखाऊं, ठीक है, ठीक है, तो बजट की स्लाइड्स हमारे पास 212 स्लाइड्स है, इसमें और ऐड ही होगा। तो ये बजट है आपका जो, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट खत्म होने के बाद हमारी ये इकोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है, उसके बाद छुटपुट टॉपिक रह जाते हैं।